Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone. So very good morning to all of you. Good morning. Roshan, Sachin, good morning. Sam, Shrestha, Saurabh, good morning. Karthik, good morning. Okay. So once again, good morning to all of you and welcome to Unacademy GATE AME XE PI YouTube channel. Right. So आज का जो session है, आज के session में हम लोग discussion करने वाले हैं. Right. Steam turbine सेकेंड पार्ट. ठीक है, कल हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा था. नाउ ये आपके पास स्टीम टर्बाइन का सेकेंड वाला पार्ट है. राइट. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं. माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन गेट 2011 एग्जाम एंड आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर फ्रॉम IIT दिल्ली इन थर्मल इंजीनियरिंग. राइट. और जो बेसिकली सब्जेक्ट मैं डील करता हूँ अनअकैडमी पे, ठीक है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, देन एप्लीकेशन पार्ट, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो दीज आर माय सब्जेक्ट जो बेसिकली मैं डील करता हूँ अनअकैडमी पे. राइट. और अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, राइट, अनअकैडमी पे आप चाहते हो कि जो प्रिपरेशन है वो एक स्मूथ वे में हो, ठीक है, प्रॉपर आपके पास डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो, प्रॉपर नोट्स आपको मिले, राइट, तो उसके लिए आप अनअकैडमी पे प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है आपके पास प्लान कर सकते हो. और प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो और चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, मैं आपके डाउट सॉल्व करूं, सो उसके लिए अनअकैडमी पे आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते टाइम पे, ठीक है, यू कैन यूज दिस रेफरल कोड CHA10. ये जो आपके पास कोड है, राइट, रेफरल कोड है, इसको आप यूज कर सकते हो CHA10.
सो CHA10 आप यूज करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, 10% का ऑफ आपको मिल जाता है, राइट। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो अभी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो फॉर 1 ईयर के लिए, देन दिस इज द अमाउंट जो पे करना होता है, ये अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं तो ये अमाउंट जो है ये आपको पे करना होता है। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, ठीक है, तो ये अमाउंट जो है ये आपको पे करना होता है। अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो, आइकॉनिक 1 ईयर के लिए आइकॉनिक प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो पे करना होता है। और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो तो ये अमाउंट जो है ये अमाउंट आपको पे करना होता है। एंड देर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो, आपको जो EMI का जो ऑप्शन है ये भी आपको मिलता है, राइट। और EMI के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो अगर वन टाइम पेमेंट में कोई भी इशू है तो EMI का जो ऑप्शन है ये आप प्रिफर कर सकते हो। और EMI के ऑप्शन पे आपके पास नो एक्स्ट्रा कॉस्ट EMI ऑप्शन इज देयर, है ना, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट EMI इज देयर, राइट। सो अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो रिमेंबर यूज दिस रेफरल कोड CHA10, इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हो CHA10। सो आई विल गाइड यू कंप्लीटली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ओके। एंड ठीक है, प्राइस हाइक होने वाला था बट ड्यू टू हाई डिमांड, ठीक है, प्राइस हाइक जो है वो कुछ टाइम के लिए आपके पास एक्सटेंड किया गया है, जो प्राइस हाइक है वो कुछ टाइम के लिए एक्सटेंड किया हुआ है, राइट। सो अभी भी आप, ठीक है, जो पहले जो प्राइस था उसी प्राइस पे जो है सब्सक्रिप्शन आप प्लान कर सकते हो, राइट। जो प्राइस हाइक होगा दैट इज अप टू 7.25% आपके पास प्राइस हाइक होने वाला है, अप टू 7.25%। और अप टू 7.25% प्राइस हाइक होने के बाद, ठीक है, जो न्यू प्राइस है ये आपके पास न्यू प्राइस हो गया, दीज आर दी न्यू प्राइसेस, ये आपके पास न्यू प्राइस है, राइट। ये 3 मंथ का प्लान, 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का, 18 मंथ का एंड 24 मंथ का, राइट। दीज आर दी करेंट प्राइसेस, ठीक है, ये अभी आपके पास करेंट प्राइसेस है, ठीक है। आफ्टर इंक्रीजिंग, ठीक है, 7.25% हाइक के बाद दीज आर दी अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। सो सेम बेनिफिट के लिए आपको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो डोंट डू दैट, ठीक है, करने की नीड नहीं है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान करना है तो बिल्कुल अभी आप प्लान कर सकते हो सब्सक्रिप्शन, ओके। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दी सेशन, ओके। सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 28, करेक्ट, ये आपके पास लेक्चर नंबर 28 है, 28। सो कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, रिमेंबर, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया था, याद है आप लोगों को, ठीक है, सारा चीज आपको याद रखना है, हाउ टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये सारा चीज जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने सीखा था हाउ टू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम फॉर एनी रोटोडायनामिक मशीन, हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में, ठीक है। सो आई थिंक आई होप आपको ये जो वेलोसिटी डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास क्लियर हुआ होगा। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी डायग्राम बनाते टाइम पे, वेलोसिटी डायग्राम जब भी आप किसी भी रोटोडायनेमिक मशीन का वेलोसिटी डायग्राम आप बनाते हैं तो सिर्फ आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है। वो 3 पॉइंट्स क्या है, और वो 3 पॉइंट्स भी जब आप हाइड्रोलिक मशीन पढ़ोगे तो वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स कौन कौन से थे, चलिए आप बताइए, तो कमेंट सेक्शन में बताइए वो इंपॉर्टेंट टिप या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन थे बताइए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, राइट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपके पास था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, दैट रिलेटिव वेलोसिटी दैट मींस VR इज ऑलवेज टेंजेंट टू टिप ऑफ द ब्लेड, ऑलवेज टेंजेंट टू द टिप ऑफ द ब्लेड, ये आपके पास था। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, राइट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या था यार, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था दैट एब्सोल्यूट वेलोसिटी वैक्टर इज द वैक्टर सम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी प्लस, ये हो गया आपके पास किसकी वेलोसिटी, ब्लेड की वेलोसिटी, राइट।
So vector v is equal to vector vr plus vector u. What is the vector vr? That is the relative velocity of the jet. And what is the u? Agar main u ki baat karu to u aapke paas kya hai? That u is nothing but the blade velocity. U aapke paas kya hai? U is nothing but the blade velocity. इनलेट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे, अगर आप इनलेट के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो V1 हो जाएगा, VR1 हो जाएगा, U1 हो जाएगा. एग्जिट के करस्पॉन्डिंग अगर देखोगे तो V2 हो जाएगा, VR2 हो जाएगा और आपके पास U2 हो जाएगा. राइट, चलिए थर्ड आपने क्या देखा था? थर्ड आपने देखा था कि ये जो आपके पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जिस डायरेक्शन में आपका ब्लेड मूव कर रहा है और एक उसके परपेंडिकुलर. राइट, सो जिस डायरेक्शन में आपके पास, ठीक है, आपके पास वो डायरेक्शन या वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो आपके पास ब्लेड के मोशन के डायरेक्शन में है, उसको हम लोगों ने क्या बोला था? उसको हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी ऑफ द वर्ल. उसको हम लोगों ने क्या बोला था? वेलोसिटी ऑफ द वर्ल. और जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोगों ने क्या बोला था? उसको हम लोगों ने बोला था वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. सो वेक्टर वी इज इक्वल टू, दैट इज अगेन वेक्टर सम ऑफ वर्ल वेलोसिटी एंड द फ्लो वेलोसिटी. वी डब्ल्यू मतलब वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू आपके पास क्या है? दैट वी डब्ल्यू को आपने क्या बोला था? वी डब्ल्यू को आपने बोला था वर्ल वेलोसिटी, वर्ल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ द वर्ल. और वी एफ को आपने क्या बोला था? ये आपके पास है फ्लो वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. So V absolute velocity, VR relative velocity, U blade की velocity, VW whirl velocity या फिर मैं बोलूं V का वो component जो blade की velocity के direction में है, VF आपके पास absolute velocity का वो component जो कि आपके पास, ठीक है, blade की velocity के perpendicular है. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था. राइट, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है व्हेनेवर यू ड्रॉ द वेलोसिटी डायग्राम. अगर कभी भी आप वेलोसिटी डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, चलो ये हम लोगों ने देखा था हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी डायग्राम. ओके, इसके अलावा और हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बाई द जेट ऑन द ब्लेड, बाई द जेट ऑन द ब्लेड, अगर ये फाइंड आउट करना है रेट ऑफ वर्क डन, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, और सिंपली इट इज पावर आउटपुट. सिंपली आप बोल सकते हो क्या? सिंपली आप बोल सकते हो पावर आउटपुट. राइट, ये आपके पास क्या हो जाएगा अगर आप यहां से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट द, ये हो गया आपके पास एफ टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई आपने क्या बोला था, दैट इज यू, एफ टी मल्टीप्लाइड बाई यू. राइट, और ये जो एफ टी होगा, ये एफ टी कैसे फाइंड आउट किया था ये भी हम लोगों ने देख लिया था. ये एफ टी क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, ठीक है, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से आपने एफ टी निकाला था, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से आपने जो एफ टी है ये एफ टी आपने फाइंड आउट किया था. राइट, तो ये जस्ट एक ओवरव्यू मैंने दिया कि लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या देखा है. ठीक है, लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या देखा है, ये जस्ट मैंने एक इसका ओवरव्यू दिया. राइट, चलो अब यहां पे आपको क्या डिस्कशन करना है, यहां पे आपको डिस्कशन करना है, सी यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमको हम लोगों को डिस्कशन करना है. ये भी मैंने आपको समझा दिया था, नहीं, ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था, सारा चीज मैंने ये आपको समझा दिया था. राइट, स्टीम टर्बाइन में आपके पास यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या था भाई, ये आपके पास हाई प्रेशर टर्बाइन है. ये आपके पास अगर देखोगे तो ये आपके पास हाई प्रेशर टर्बाइन था, दिस इज अ एचपीटी हाई प्रेशर टर्बाइन. ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन, ये इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन था. और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था लो प्रेशर टर्बाइन, ये आपके पास था लो प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन. राइट, और यहां से इस डायग्राम से भी देखोगे तो एचपी हाई प्रेशर टर्बाइन, ये आपके पास है इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन, ये हो गया एचपी हाई प्रेशर टर्बाइन, ये आपके पास है इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लो प्रेशर टर्बाइन, ये आपके पास है लो प्रेशर टर्बाइन. ऑल दिस टर्बाइन, ऑल दिस थ्री टर्बाइन आर कनेक्टेड विद द कॉमन शाफ्ट. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉमन शाफ्ट है, दिस इज द कॉमन शाफ्ट. राइट, तो ये सारे के सारे आप टर्बाइन जो देख रहे हो, हाई प्रेशर टर्बाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन एंड द लो प्रेशर टर्बाइन, दीज टर्बाइन आर कनेक्टेड विद द कॉमन शाफ्ट. एक कॉमन शाफ्ट के साथ क्या है, एक कॉमन शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है. राइट, तो ये भी कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या सबको? यहां तक क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहां तक हम लोगों ने देख लिया था सारा चीज. ओके, एक मिनट ना. चलिए,
अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं सबसे बारे में, सबसे पहले स्टीम टर्बाइन के बारे में, ठीक है। देखो यहां पे स्टीम टर्बाइन, तो जो स्टीम टर्बाइन है ना यार, स्टीम टर्बाइन जो आप लोगों ने अभी देखा, स्टीम टर्बाइन, ये जो स्टीम टर्बाइन है ना, ये स्टीम टर्बाइन आपके पास क्या होता है, ये स्टीम टर्बाइन दो टाइप का होता है। ये जो स्टीम टर्बाइन है, ये स्टीम टर्बाइन आपके पास क्या है, ये स्टीम टर्बाइन आपके पास दो टाइप का है, राइट। कौन कौन से दो टाइप का है, कौन कौन से दो टाइप का है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टीम टर्बाइन की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, इंपल्स टर्बाइन। अगर स्टीम टर्बाइन की बात करूं तो आपके पास क्या है, इंपल्स टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन। एंड सेकेंड आपके पास क्या है, सेकेंड है आपके पास रिएक्शन टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, और इसी को और क्या बोलते हैं, और इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, और क्या बोलते हैं, इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, राइट। अगर मैं स्टीम टर्बाइन की अगर मैं बात करूं तो स्टीम टर्बाइन आपके पास कितने टाइप का, आपके पास स्टीम टर्बाइन है, ठीक है, एक आपके पास है इंपल्स टर्बाइन और दूसरा आपके पास है क्या, रिएक्शन टर्बाइन, या उसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, राइट। क्या डिफरेंस है, अगर मैं इंपल्स टर्बाइन और इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट। दोनों में अगर मैं बेसिक डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या है, तो यहां पे मैं इंपल्स टर्बाइन की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं इंपल्स टर्बाइन की बात कर रहा हूं, इंपल्स टर्बाइन, इंपल्स टर्बाइन, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, ठीक है, रिएक्शन टर्बाइन बोल सकते हो या फिर इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन का मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज अ इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन, है ना, रिएक्शन टर्बाइन का मतलब इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज अ इंपल्स रिएक्शन टर्बाइन। सो क्या डिफरेंस है, पता है क्या आप लोगों को, इंपल्स टर्बाइन वर्सेस रिएक्शन टर्बाइन, क्या डिफरेंस है इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में, बता सकते हो, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में क्या डिफरेंस है आप बता सकते हो, बताइए, बता सकते हो। देखो अगर मैं इंपल्स टर्बाइन की बात करूं, राइट, समझना ध्यान से थोड़ा सा, अगर मैं इंपल्स टर्बाइन की बात करता हूं तो इंपल्स टर्बाइन में क्या होता है भाई, इंपल्स टर्बाइन में जो भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप होने वाला है, राइट, इंपल्स टर्बाइन की अगर मैं बात करूं तो इंपल्स टर्बाइन में जो भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप होने वाला है, वो प्रेशर ड्रॉप कहां पे होने वाला है, वो प्रेशर ड्रॉप आपके पास नोजल में होगा, ठीक है। देखो क्या होता है यहां पे, इधर समझना, पहले आप ये समझो थोड़ा सा, है ना, ये आप समझो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो व्हील है टर्बाइन में, क्या ये टर्बाइन में आपके पास व्हील है, जिसको आप रनर भी बोल सकते हो, जिसको आप रनर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आपके पास व्हील है, एक आपके पास रफ डायग्राम में बना रहा हूं, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर ऑफ ब्लेड्स, ऐसे नंबर ऑफ ब्लेड्स माउंटेड होंगे ना, ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास ऐसे नंबर ऑफ ब्लेड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्लेड्स ऐसे माउंटेड होंगे, ये आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास नंबर ऑफ ब्लेड्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ब्लेड जो है वो इस तरीके से माउंटेड होंगे, है ना, इस तरीके से नंबर ऑफ ब्लेड जो है वो माउंटेड होंगे, ठीक है। अच्छा यहां पे अगर आप देखोगे ना, इधर से आपके पास जब स्टीम आएगा तो स्टीम कहां से आएगा, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास नोजल होगा, है ना, यहां पे आपके पास क्या है, ये नोजल है, ये जस्ट मैं एक सिंपल सा डायग्राम आपको बना के समझा रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास नोजल है, दिस इज द नोजल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है नोजल, है ना। इंपल्स टर्बाइन में क्या होता है, इंपल्स टर्बाइन में नोजल होता है, और जो रिएक्शन टर्बाइन है ना, उस रिएक्शन टर्बाइन में आपके पास क्या होता है, आपके पास फिक्स्ड ब्लेड होता है, राइट। इंपल्स टर्बाइन में आपके पास क्या होता है, इंपल्स टर्बाइन में आपके पास नोजल होता है, और जो अगर मैं रिएक्शन टर्बाइन की बात करूं तो रिएक्शन टर्बाइन में आपके पास फिक्स्ड ब्लेड्स होते हैं, राइट, दोनों का काम आपके पास सेम है। सो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, ये नोजल हो गया या फिक्स ब्लेड हो गया, राइट। अब इधर देखो भाई क्या होता है इंपल्स टर्बाइन, अगर मैं इंपल्स टर्बाइन की अगर मैं बात करता हूं तो इंपल्स टर्बाइन के केस में जो भी प्रेशर ड्रॉप होने वाला है, जो भी आपके पास प्रेशर ड्रॉप होने वाला है, वो प्रेशर ड्रॉप कहां पे होगा, वो प्रेशर ड्रॉप होगा नोजल में। ये जो आपके पास व्हील आप देख रहे हो, ये जो आप व्हील देख रहे हो, और व्हील में आपके पास ये जो ब्लेड्स आप देख रहे हो, इस ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होने वाला है, ये जो ब्लेड आप देख रहे हो ना, इस ब्लेड में आपके पास कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होने वाला है, वॉट एवर द प्रेशर ड्रॉप अकर्स, दैट प्रेशर ड्रॉप इन द नोजल ओनली, राइट। सो अगर मैं इंपल्स टर्बाइन की बात करूं तो इंपल्स टर्बाइन को क्या लिख सकता हूं, इंपल्स टर्बाइन के केस में क्या होने वाला है, दैट ऑल प्रेशर ड्रॉप, ऑल प्रेशर ड्रॉप, ऑल प्रेशर ड्रॉप अकर्स, ऑल प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन नोजल, ऑल प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन नोजल,
there is no pressure drop. There is no pressure drop. There is no pressure drop in blades. There is no pressure drop in the blades, right? There is no pressure drop in the blades, right? First point क्या है? अगर मैं impulse turbine की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो impulse turbine के केस में क्या होने वाला है? Impulse turbine के केस में all pressure drop occurs in the nozzle. जो भी pressure drop होने वाला है, वो nozzle में होने वाला है. There is no pressure drop in the blade. जब आपके पास steam glide करेगा blade के ऊपर से, जब steam जो है वो ग्लाइड करेगा, ठीक है. देखो, इधर से आपके पास स्टीम निकला, ये आपके पास स्टीम निकल रहा है, ठीक है. जैसे मान लो आपके पास ये आपके पास ब्लेड है, इस ब्लेड में आपके पास इस तरीके से ऐसा ग्लाइड किया है ना, ऐसा होगा. तो आपके पास जो भी प्रेशर ड्रॉप होने वाला है वो नोजल में होने वाला है. ये जो आप ब्लेड आप देख रहे हो ना, इस ब्लेड में कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा. सच टाइप ऑफ टर्बाइन इज कॉल्ड द इंपल्स टर्बाइन. उस टाइप के टर्बाइन को हम लोग बोलते हैं इंपल्स टर्बाइन. दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Whatever the pressure drop is there, the pressure drop occurs in the nozzle. There is no pressure drop in the blades when the steam glides over the blade. कोई भी pressure का drop नहीं होने वाला है. बोलने का मतलब मेरा ये है कि blade के inlet पे जो pressure रहेगा, वो blade के exit पे भी वही pressure रहेगा. कोई भी pressure drop नहीं होने वाला है, ठीक है. Blade में जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं impulse turbine की, right? अब आप बोलोगे कि सर इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, राइट? इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है? और बात यहां पे हम स्टीम टर्बाइन की बात कर रहे हैं ना, डोंट कंफ्यूज विद द हाइड्रोलिक टर्बाइन्स. वाटर टर्बाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है ना. देखो, वाटर टर्बाइन अगर देखोगे, वहां पे भी वाटर टर्बाइन में भी हम इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन पढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है. जब हम वाटर टर्बाइन पढ़ते हैं ना, जब हाइड्रोलिक मशीन्स हम पढ़ते हैं, तो हाइड्रोलिक मशीन्स में भी हम लोग वाटर टर्बाइन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है. तो पहले तो दिमाग में ये चीज बैठा लो, we are talking about the steam turbine here, we are not talking about the water turbine. हम water turbine के बारे में बात नहीं कर रहे. Water turbine के बारे में, ठीक है, water turbine जैसे Pelton turbine है, Francis turbine है, Kaplan turbine है, propeller turbine है, ये सब water turbine है, ये steam turbine नहीं है. और ये जो water turbines है, इन water turbines के बारे में बात करेंगे hydraulic machines में. बात समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टीम टर्बाइन के बारे में. तो अगर मैं बोलूं सेम कॉन्सेप्ट, वहां भी पढ़ोगे इंपल्स टर्बाइन का कॉन्सेप्ट, रिएक्शन टर्बाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम है ना. देखो, यहां पे चाहे आप स्टीम टर्बाइन की बात करो या फिर वॉटर टर्बाइन की बात करो, टर्बाइन रोटोडायनेमिक मशीन जिससे वर्क आउटपुट मिलेगा, बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है ना. बेसिक प्रिंसिपल इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है. तो बेसिक प्रिंसिपल सेम है ना. तो वाटर टर्बाइन में भी आपके पास इंपल्स टर्बाइन होता है, रिएक्शन टर्बाइन होता है, बट यहां पे सेम प्रिंसिपल होगा. वहां पे भी इंपल्स टर्बाइन का डेफिनेशन वही है, रिएक्शन टर्बाइन का डेफिनेशन जो भी मैं बताऊंगा वही रहेगा. बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहां पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं स्टीम टर्बाइन में, आप मुझे इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल बताइए, तो क्या होगा एग्जांपल, ठीक है. ये आपके पास कई बार आपसे पूछता है, क्या होगा एग्जांपल, क्या होगा भाई इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल, इंपल्स टर्बाइन का जो एग्जांपल, इंपल्स स्टीम टर्बाइन का एग्जांपल क्या होगा, तो दैट इज नथिंग बट द डी लावल टर्बाइन. दैट इज द डी लावल टर्बाइन, डी लावल टर्बाइन, डी लावल टर्बाइन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंपल्स टर्बाइन, ठीक है. या फिर मैं बोलू इंपल्स स्टीम टर्बाइन का एग्जांपल है डी लावल टर्बाइन. और ये जो डी लावल टर्बाइन है, ये आपके पास क्या होता है, अभी ये सब चीज समझाऊंगा ना, डोंट वरी. सिंगल स्टेज, ये आपके पास होता है सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन. अब आप बोलोगे सर सिंगल स्टेज का मतलब क्या है, है ना. आप बोलोगे कि सर सिंगल स्टेज का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करो, है ना. सारी चीजें एक साथ नहीं बता सकते ना, ठीक है, नहीं तो सब दिमाग में कचरा हो जाएगा, ठीक है, सब इधर उधर घूमते रह जाएगा. तो एक एक करके बताऊंगा सिंगल स्टेज का मतलब क्या है, स्टेजिंग का मतलब क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट आल्सो, ठीक है. तो डोंट वरी, उसके बारे में ज्यादा अभी मत सोचो. अभी सिर्फ इतना सोचो कि मैंने आपको क्या बताया, इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल बताया, और इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, द डी लावल टर्बाइन इज द एग्जांपल ऑफ द इंपल्स टर्बाइन. और डी लावल टर्बाइन कैसा टर्बाइन है, सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन है, ठीक है भाई. इतनी बात क्लियर है, चलो जल्दी से बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है, क्या जल्दी से बता दो, इतनी बात क्लियर है क्या, जल्दी से बता दीजिए, इतनी बात क्लियर है क्या. चलो अब यहां पे मैं बात करता हूं किसकी, रिएक्शन टर्बाइन. अब देखो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होने वाला है,
अगर मैं रिएक्शन टरबाइन की अगर मैं बात करता हूं तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा? देखो रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होता है ना, प्रेशर ड्रॉप आपके पास, मैंने बताया रिएक्शन टरबाइन में नोजल नहीं होता, फिक्स ब्लेड होता है। तो जब हम रिएक्शन टरबाइन की बात करते हैं ना, तो रिएक्शन टरबाइन में जो प्रेशर ड्रॉप होने वाला है वो फिक्स ब्लेड में भी होगा और साथ में आपके पास जो रनर ब्लेड होता है, जो मूविंग ब्लेड होता है, उसमें भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रिएक्शन टरबाइन, सो आई कैन से इन रिएक्शन टरबाइन प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन बोथ। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप क्या लिखेंगे, इन रिएक्शन टर्बाइन प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन बोथ इन फिक्स्ड ब्लेड एज वेल एज इन द मूविंग ब्लेड। ठीक है, इन द मूविंग ब्लेड, राइट। तो इसको एक काम करता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं सो दैट आपको सारी चीजें देखिए। ठीक है भाई, चलो अब यहां पे अगर देखोगे तो ये रिएक्शन टरबाइन की अगर मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ है साफ साफ, इन रिएक्शन टरबाइन द प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन बोथ। बोथ बोलने का मतलब क्या है? बोथ बोलने का मतलब है देयर इज अ फिक्स्ड ब्लेड का रो रहेगा और वहां पे आपके पास मूविंग ब्लेड का रो रहेगा। तो फिक्स ब्लेड में भी आपके पास क्या होगा, प्रेशर का ड्रॉप होगा और साथ में आपके पास जो मूविंग ब्लेड है ना, जो मूविंग ब्लेड है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपके पास प्रेशर का ड्रॉप होगा। और मूविंग ब्लेड से घबराओ नहीं, मूविंग ब्लेड का मतलब क्या है, मूविंग ब्लेड का मतलब मेरा इसी ब्लेड से, क्योंकि ये क्या होगा, ठीक है, ये जो व्हील है ये व्हील क्या करेगा, ये व्हील रोटेट करेगा और रोटेट करेगा तो ये जो ब्लेड है ना, इसी ब्लेड को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी ब्लेड को मैं मूविंग ब्लेड बोल रहा हूं, दैट्स इट, इसी ब्लेड को मैं मूविंग ब्लेड बोल रहा हूं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं तो रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन में देर इज अ फिक्स्ड ब्लेड एंड देर इज अ मूविंग ब्लेड। तो जो भी प्रेशर ड्रॉप होगा वो प्रेशर ड्रॉप फिक्स ब्लेड में भी होगा और जो प्रेशर ड्रॉप है वो आपके पास मूविंग ब्लेड में भी होगा। इज इट ओके? सो ये आपके पास क्या है, रिएक्शन टर्बाइन, या फिर इसी को बोल सकते हो क्या, इसी को बोल सकते हो इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, क्योंकि यहां पे इम्पल्स एक्शन देखने को भी मिलता है, यहां पे इम्पल्स एक्शन भी मिलेगा और यहां पे रिएक्शन एक्शन भी मिलेगा। तो रिएक्शन टर्बाइन के बारे में जब बात करेंगे तो ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल कैन एनी वन टेल मी वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन, कोई बता सकता है रिएक्शन टर्बाइन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो रिएक्शन टर्बाइन का जो एग्जाम्पल है Parsons turbine का जो एग्जाम्पल है दैट इज Parsons turbine इज द एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन। और ये जो Parsons turbine आप देख रहे हो ना, ये होता है आपके पास 50% रिएक्शन टर्बाइन, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है 50% रिएक्शन टर्बाइन। अब इसको मैं 50% रिएक्शन टर्बाइन क्यों बोल रहा हूं, ये भी आपको समझ में आएगा आगे जब डिग्री ऑफ रिएक्शंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि why I am telling 50% रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है भाई, तो अभी सिर्फ इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, सो फार मैंने आपको क्या क्या चीजें समझाया, क्या क्या चीजें आपको समझना चाहिए। पहली चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंपल्स टर्बाइन एंड द रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में जो बेसिक डिफरेंस है, वो बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट। स्टीम टर्बाइन में अगर मैं आपसे पूछूं इंपल्स टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, तो डी लावाई टर्बाइन जो है वो एग्जांपल है। और अगर मैं बोलूं स्टीम टर्बाइन में जो रिएक्शन टर्बाइन का एग्जांपल क्या है, तो Parsons टर्बाइन जो है वो एग्जांपल है। किसका? वो एग्जांपल है आपके पास रिएक्शन टर्बाइन का। इज इट ओके? बस इतनी चीजें अभी मैंने आपको समझाया है। चलो अब यहां पे बात हम लोग करने वाले किसके बारे में, यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, देखो किसके बारे में बात करने वाले, इंपल्स टर्बाइन, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, इंपल्स टरबाइन। अब इंपल्स टरबाइन में, है ना, इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करने वाले हैं। और इंपल्स टरबाइन की बात करो तो इंपल्स टरबाइन में आपको क्या क्या देखना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या देखना है इंपल्स टरबाइन में, राइट। सबसे पहला पॉइंट आपको जो देखना है, यहां पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है वो मैं बता देता हूं। इंपल्स टर्बाइन के केस में, इंपल्स टर्बाइन के केस में हम बात करेंगे सबसे पहले सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन के बारे में।
सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के बारे में, यहां से भर भर के न्यूमेरिकल आता है, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के बारे में, या फिर सिंपल मैं बोलूं किसके बारे में, डी लावल टरबाइन के बारे में, डी लावल टरबाइन, डी लावल टरबाइन, ठीक है। सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन के बारे में बात करेंगे, राइट। पावर आउटपुट निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, पावर आउटपुट निकालेंगे, पावर आउटपुट फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे, एफिशिएंसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे जिसको हम लोग डायग्राम एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फिर हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इंपल्स टर्बाइन में कंपाउंडिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब कंपाउंडिंग की नीड क्या होती है ना, ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, आपने एग्जाम में भी देखा होगा, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन, कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन। तो क्वेश्चन यह है कि कंपाउंडिंग से मतलब क्या है, क्या मीनिंग होता है कंपाउंडिंग का, और कंपाउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपाउंडिंग करते हैं ये तो पता है, लेकिन जरूरत क्या पड़ती, क्यों पड़ती है कंपाउंडिंग की, तो ये भी चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये भी चीज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एजेंडा आपको बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है। सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन के बारे में हम लोग बात करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टेजिंग अगर हम लोग बोलते हैं तो स्टेजिंग का मतलब क्या होता है, फिर पावर आउटपुट निकालेंगे, एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि कंपाउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और कंपाउंडिंग जो है वो कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पे सबसे पहले यहां पे समझिएगा, देखो इंपल्स टर्बाइन यहां पे लिखा हुआ है, इंपल्स टर्बाइन के बारे में ही बात करना है, इंपल्स टर्बाइन के बारे में ही बात करना है। तो इंपल्स टर्बाइन का मतलब आपको समझ में आ गया, इंपल्स टर्बाइन की अगर मैं बात करूं तो इंपल्स टर्बाइन के केस में, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिख देता हूं, प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन नोजल, प्रेशर ड्रॉप अकर्स इन नोजल, इन नोजल, नो प्रेशर ड्रॉप, नो प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, नो प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, है ना। मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होने वाला है, मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो अब अगर आप टर्बाइन का ब्लेड देखोगे, है ना, टर्बाइन का ब्लेड आई विल शो यू, मैं आपको टर्बाइन का जो ब्लेड है वो शो करता हूं, देखो यहां पे, ठीक है, जस्ट वन मिनट रुकिएगा। चल ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास व्हील है, दिख रहा है आपको, ये आपके पास क्या है, देखो यहां पे, ये सबको दिख रहा है क्या, ये आपके पास ब्लेड है ना, यहां से अगर देखोगे ये आपके पास क्या है, व्हील है, ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास क्या है, ये ब्लेड है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्लेड है, ये दिख रहा होगा सबको, ये ब्लेड है ना। तो स्टीम आएगा, देखो स्टीम कैसे आएगा, इधर से आपके पास नोजल है ना, स्टीम आएगा, और स्टीम जब आएगा तो कैसा आएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, स्टीम आएगा ऐसा, ग्लाइड करेगा और ग्लाइड करते हुए फिर बाहर निकल जाएगा, ये आएगा स्टीम, है ना, इधर से आपके पास क्या आ रहा है, इधर से आपके पास आ रहा है स्टीम, राइट। तो स्टीम क्या करेगा, ये जो ब्लेड है इस ब्लेड के ऊपर क्या करेगा, ब्लेड के ऊपर ग्लाइड करेगा, ब्लेड के ऊपर ग्लाइड करेगा और बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टीम का मोमेंटम चेंज होगा, है ना भाई, स्टीम का क्या होगा, स्टीम का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, सोचो ना थोड़ा सा, स्टीम का मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होने के कारण से, सिंस स्टीम का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है जो हम लोगों ने कल देखा था, अगर स्टीम का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स स्टीम में आएगा। तो अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये बोलता है कि भाई जितना फोर्स स्टीम में आएगा उतना ही फोर्स आपके पास क्या होने वाला है, ब्लेड में आएगा, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। तो जितना आपके पास फोर्स स्टीम में आ रहा है उतना ही फोर्स आपके पास क्या होगा, टर्बाइन के ब्लेड में आएगा, और टर्बाइन के ब्लेड में जब फोर्स आएगा, ये जो टर्बाइन है इस टर्बाइन के ब्लेड में जब फोर्स आएगा, तो अब आपके पास क्या होगा, ये जो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, ठीक है, क्या होने वाला है, यहां पे एक जो शाफ्ट होगा ना, ये शाफ्ट में माउंटेड होगा, ऐसा शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट में माउंटेड होगा, और वो जो शाफ्ट है उस शाफ्ट में क्या आएगा, उस शाफ्ट में टॉर्क आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क आपके पास क्या होगा, वो जो शाफ्ट है, दैट शाफ्ट स्टार्ट टू रोटेट, वो शाफ्ट क्या होगा, वो शाफ्ट आपके पास रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा, तो शाफ्ट रोटेट करेगा, तो ये जो शाफ्ट है वो किससे कपल है, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट किससे कपल था, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट किससे कपल है, ये शाफ्ट कपल है अल्टरनेटर या फिर जनरेटर से। अब जब शाफ्ट घूमेगा, तो शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर या अल्टरनेटर से ये शाफ्ट कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली शाफ्ट या जनरेटर या फिर अल्टरनेटर में कुछ कुछ होगा, और फाइनली आपके पास जो मैकेनिकल वर्क है, दैट मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल वर्क,
इज इट ओके? चलो अब इसी को यहां पे अगर देखोगे ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज है ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो यहां पे वो जो टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इधर समझना ध्यान से, जस्ट वन मिनट ना। ओके चलो भाई देखो यहां पे समझने की कोशिश करना इसको। ये हो गया, राइट। और उसके बाद ये हो गया यार, ऐसा कुछ। ठीक है भाई, ये हो गया ऐसा कुछ, राइट। नाउ यहां पे आपके पास अगर देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, अरे मैं सब डाउट्स क्लियर करूंगा, पहले जो मैं समझा रहा हूं वो अंडरस्टैंड करिए प्लीज, है ना। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, इधर सुनो, इधर सुनो। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, जो डाउट्स होंगे ना वो डाउट्स आप पूछ लेना, पहले इधर सुनो ध्यान से। देखो यहां पे ये आपके पास क्या है, ये शाफ्ट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास शाफ्ट है। अभी देखो यहां पे, यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे ये ब्लेड है, ये ब्लेड आपको दिख रहा है, तो ठीक है, जस्ट मैं एक ब्लेड बना रहा हूं यहां पे। देखो यहां पे इस तरीके से ये ब्लेड्स है ना, ये आपके पास क्या है, ऐसे ब्लेड्स है, ये सबको ही दिख रहा होगा यार, ऐसा ब्लेड्स, ये दिख रहा है क्या ब्लेड, ये सबको ही ब्लेड दिख रहा होगा। जो भी आपके डाउट्स है ना, वो डाउट्स आप रखे रहो, मैं डाउट्स आपके क्लियर करूंगा, है ना, क्योंकि डाउट्स अगर मैं बताऊंगा तो अभी मैं समझा ही नहीं पाऊंगा फिर। ये देखो, तो डाउट, जो भी आपके डाउट्स है वो आप रखे रहो, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपके पास टर्बाइन के ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ब्लेड्स है, ये ब्लेड दिख रहा होगा, है ना, ये आपके पास ब्लेड है, राइट। नाउ सी, यहां पे जो कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले आप देखते हैं, राइट। अगर मैं बात करता हूं, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास है रूट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रूट है। देखो यहां पे, ये आपके पास क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, सी डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूं, ये आप देख रहे हो ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रूट है। यहां पे अगर इसी चीज को अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये बनाया हुआ है, देखो यहां पे मैं शो कर रहा हूं ये, ठीक है ना, कलर टू कलर मैच करना, ये आपके पास हो गया, राइट। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है रूट, दिस इज नथिंग बट द रूट, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रूट, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रूट। तो यहां पे अगर देखोगे ना, ये जो है यहां से यहां तक, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ये मेरे पास क्या है, रूट डाया, यहां से यहां तक ये मैं बोल देता हूं क्या, ये मेरे पास है रूट डाया, दिस इज द डी वन, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है डी वन। ओके, सो व्हाट इज द डी वन, अगर मैं डी वन की बात करूं तो डी वन मेरे पास क्या है, व्हाट इज द डी वन, मैं लिख सकता हूं डी वन मेरे पास क्या है, डी वन इज नथिंग बट द रूट डाया, डी वन मेरे पास क्या है, द डी वन इज नथिंग बट द रूट डाया, ये रूट डाया है, ठीक है। चल नॉट नेक्स्ट, आपके पास अगर मैं बोलता हूं, देखो यहां पे, चलिए भाई फिर से यहां पे थोड़ा सा देखना, ये दिख रहा है आपको, यहां पे ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा कुछ, ये हो गया ऐसा कुछ, राइट। इसको मैं क्या बोलता हूं ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो दिख रहा है, ये आपके पास एक्चुअली आपने लोकस ड्रॉ किया है, ये सारे पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, बेसिकली दीज आर दी टीप, ये टीप है ना यार, ये टीप है ना, ये जो टीप है, इस टीप का आपने लोकस ड्रॉ किया हुआ है, ये जितने भी टीप है ना उसका क्या किया, उसने आपने लोकस ड्रॉ किया हुआ है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो आपको पता है कि इसको मैं क्या बोलता हूं, ये मैं बोलता हूं टीप, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टीप, दिस इज नथिंग बट द टीप, राइट। तो अब देखो यहां पे, ये जो सर्कल बना है ना, ये सर्कल, ये सर्कल, दिस इज अ टीप सर्कल, और अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से यहां तक, राइट, इधर देख लो, ये हो जाएगा यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास टीप डाया, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया टीप डाया, राइट। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया मेरे पास दैट इज डी टू, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास डी टू, राइट। ये डी वन है, ये आपके पास डी टू है, तो D2 को मैं क्या बोल सकता हूं, व्हाट इज द D2, टू दैट डी टू इज नथिंग बट द टीप डाया,
है ना। डी टू मेरे पास क्या है, डी टू इज नथिंग बट द टीप डाया। डी टू मेरे पास क्या है, डी टू मेरे पास है टीप डाया। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि चलो एक काम करते हैं, मीन डायामीटर ऑफ द व्हील चाहिए, ये जो व्हील आप देख रहे हो ना, ये जो व्हील है इस व्हील का मीन डायामीटर, तो मीन डायामीटर क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक काम करते हैं मीन डायामीटर बताते हैं, तो मीन डायामीटर क्या लिख सकता हूं, मीन डायामीटर ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, मीन डायामीटर ऑफ द व्हील, मीन डायामीटर ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा, मीन डायामीटर ऑफ द व्हील बताएंगे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मीन डायामीटर ऑफ द व्हील क्या हो जाएगा, मीन डायामीटर ऑफ द व्हील। सो मीन डायामीटर ऑफ द व्हील दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया डी एम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी वन प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी टू डिवाइडेड बाई ये हो गया। बोलो भाई हाँ या ना, लिख सकते हैं ये, ठीक है। डीएम आपके पास क्या है, डीएम इज नथिंग बट द मीन डायामीटर ऑफ द व्हील एंड डी वन प्लस डी टू बाई टू, डी वन प्लस डी टू बाई टू ये हो गया आपके पास, ठीक है। ओके चलो, ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपके पास मीन डायामीटर ऑफ द व्हील की, राइट। नाउ नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ द व्हील, नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ द व्हील, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द व्हील या हाइट ऑफ द ब्लेड, ठीक है, हाइट ऑफ द व्हील या फिर ऐसा लिख दो हाइट ऑफ द ब्लेड, ऐसा लिख देते हाइट ऑफ द, क्या हाइट ऑफ द ब्लेड, एंड इट इज डिनोटेड बाई एच बी, इट इज डिनोटेड बाई एच बी, वॉट इज द एच बी, दैट एच बी इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ब्लेड, हाइट ऑफ द ब्लेड क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ब्लेड बता सकते हैं, वॉट इज द हाइट ऑफ द ब्लेड, वॉट इज हाइट ऑफ द ब्लेड, ये वॉट इज द हाइट ऑफ द ब्लेड क्या होगा, हाइट ऑफ द ब्लेड, What is the height of the blade? क्या होगा height of the blade? बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, height of the blade बताओ क्या होगा, height of the blade? Tell me what is the height of the blade? कितना हो जाएगा height of the blade? अरे देखो ना यहाँ पे ये height है ना यार, यहां से यहां तक देखो ना, यहां से अगर देखोगे ये height होगा ना भाई, ये height होगा ना, ये height होगा, ये देखो ये height है तुम्हारे पास, इधर देखो ये तुम्हारे पास क्या ये दिख रहा होगा, ये height है, ये दिख रहा है क्या यहां से, चलो यहां पे ले लेता हूं, ये हाइट है, देखो ये हाइट है, ये आपके पास क्या ये हाइट है ना यार, ये हाइट है, ये एच बी है, ये आपके पास क्या ये एच बी है, एच बी तो क्या हो जाएगा एच बी बताओगे, एच बी नहीं, एच बी डी टू माइनस डी वन नहीं होगा, एच बी आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये होगा तुम्हारे पास आर आर वन माइनस आर टू बोल सकते हो, या आर टू माइनस आर वन बोल सकते हो, सॉरी, ठीक है। एच बी को तुम क्या लिख सकते हो, एच बी को तुम बोल सकते हो एच बी, सॉरी एच बी को तुम क्या बोल सकते हो, एच बी इस एच बी को तुम बोल सकते हो, ये तुम्हारे पास क्या हो गया आर टू माइनस, ये हो गया आर टू माइनस आर वन, ये बोल सकते हो आर टू माइनस आर वन, या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी टू माइनस डी वन बाई टू, ये हो जाएगा डी टू माइनस डी वन बाई टू, हाँ ये बिल्कुल बोल सकते हो एच बी, बिल्कुल ये आप बोल सकते हो, ठीक ना, बिल्कुल ये आप बोल सकते हो, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एच बी, और ये एच बी को मैं बोल सकता हूं ये हो गया डी टू माइनस, ये हो गया तुम्हारे पास डी वन बाई, ये हो गया तुम्हारे पास टू, डी टू माइनस डी वन बाई टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी टू माइनस डी वन बाई टू, आया समझ में इतना, बोलो भाई इतना बात समझ में आया, बिल्कुल इतना समझ में आया बच्चा लोग, इतना समझ में आया क्या, अगर इतना समझ में आया है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नो आगे अगर बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ये जो व्हील है ना, ये व्हील आपके पास जिस आरपीएम पे रोटेट हो रहा है, लेट अस अज्यूम दैट इज एन, राइट। ये आपके पास क्या हो गया, ये जो व्हील है ना, या ये जो शाफ्ट है, ठीक है, दिस व्हील इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, तो व्हील बोल लो, शाफ्ट रोटेट हो रहा है ये बोल लो, राइट। तो शाफ्ट या फिर व्हील जिस आरपीएम से रोटेट हो रहा है, जिस आरपीएम से रोटेट हो रहा है वो मेरे पास क्या, लेट अस अज्यूम दैट इज अ एन, राइट, लेट अस अज्यूम दैट इज अ एन। So what is the n? That n is nothing but the RPM. n आपके पास क्या है? n is the RPM. So n आपके पास क्या होगा? अगर मैं n की बात करता हूं, n आपके पास क्या है? That n is nothing but the revolution per minute. ये हो गया RPM. Revolution per minute. अगर मैं omega, है ना? कभी-कभी आपको क्वेश्चन में omega दिया होता है. कभी-कभी क्वेश्चन में आपके पास क्या होता है? राइट अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं ओमेगा, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ओमेगा दिया होता है। ओमेगा क्या है? दैट ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा आपके पास क्या है? ओमेगा आपके पास है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, आप बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ब्लेड बोल सकते हो, या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी? ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड।
एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड, राइट। अब आपके पास यहां पे अगर मैं बोलता हूं यू, क्या होता है भैया यू? व्हाट इज द यू यार? दैट यू, यू इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील, या फिर आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो ब्लेड, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हील, या फिर बोल सकते हो ब्लेड, या फिर सिंपली लीनियर नहीं बोलोगे ना तो चलेगा, वेलोसिटी ऑफ द व्हील या फिर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड। वेलोसिटी ऑफ द व्हील या वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड अगर मैं बोलता हूं, इट इज बाय डिफॉल्ट इट इज अ लीनियर वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ द व्हील बोलोगे, इट इज बाय डिफॉल्ट यू, इट इज बाय डिफॉल्ट यू, लीनियर बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। या तो आप अगर बोलना है तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द व्हील बोल लो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, और अगर आप वेलोसिटी ऑफ द व्हील या वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड भी बोलते हो तो बाय डिफॉल्ट दैट इज अ लीनियर वेलोसिटी, दैट इज नॉट अ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज अ बाय डिफॉल्ट लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। चलो अब यहां पे अगर देखोगे, मैंने आपको बताया था, ठीक है, देखो भाई अगर आपके पास स्टीम अगर इधर से एंटर कर रहा है ना, स्टीम अगर इधर से एंटर कर रहा है, देखो स्टीम जो है वो इधर से एंटर कर रहा है, दिख रहा है क्या आपको? अगर स्टीम जो है वो इधर से एंटर कर रहा है और इधर से एग्जिट हो रहा है ऐसा कुछ, या फिर यहां पे अगर देखोगे यहां पे स्टीम इधर से एंटर कर रहा है इधर से एग्जिट हो रहा है ऐसा कुछ, तो भाई एंटर जब कर रहा है, ठीक है, याद करो मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, ठीक है, अगर आपको याद आ जाए तो मजा आ जाएगा फिर तो। देखो ये बाबू एक, अगर आप एक ब्लेड को लोगे, ये एक ब्लेड को मैंने लिया, ये एक ब्लेड को लिया, दिस इज द वन ब्लेड, ये मेरे पास क्या था, इसको मैंने बोला था ये मेरे पास इनलेट है, और ये मैंने क्या बोला था ये मेरे पास एग्जिट है, इनलेट को मैंने शो किया था सफिक्स वन से, एग्जिट को मैंने शो किया था सफिक्स टू से, राइट। इनलेट को मैंने शो किया था सफिक्स वन से, एग्जिट को मैंने शो किया था सफिक्स टू से, इनलेट पे जो आपके पास ब्लेड की वेलोसिटी है उसको मैंने बोला था यू वन, एग्जिट पे जो वेलोसिटी था उसको मैंने क्या बोला था दैट इज यू टू, राइट। अब इस केस में अगर मैं बोलता हूं तो इस केस में यू वन इज, अरे कहां गया, हाँ, इस केस में अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा U, U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, और इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं दिस इज नथिंग बट द मीन वेलोसिटी ऑफ, मीन वेलोसिटी ऑफ द, मीन वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, मीन वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, या फिर इसी को और आप बोल सकते हो दिस इज नथिंग बट द मीन पेरिफेरल वेलोसिटी, मीन पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, ऑफ द ब्लेड, मीन पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, ये बोल सकते हो, राइट। और यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, या यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू यू अगर लिखते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी एम, ये हो गया n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 60, पाई डी एम एन डिवाइडेड बाई 60, इज इट ओके, ठीक है, आया समझ में? या फिर सिंपली आप इसको और क्या लिख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द, ये आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू, ये हो गया आर एम, ओमेगा इंटू आर एम, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है यार, ओमेगा आपके पास क्या होता है, दैट ओमेगा इज नथिंग बट द 2 पाई n बाई 60, यही तो किया मैंने, है ना, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज नथिंग बट द 2 पाई n बाई 60, तो यहां पे 2 पाई n बाई 60 लिखोगे तो पाई और 2 आर एम क्या हो जाएगा, डी एम एन डिवाइडेड बाई 60, एन आपके पास क्या है, एन आपके पास है आरपीएम, एन आपके पास क्या है, एन आपके पास है आरपीएम, और अगर कभी कभी क्वेश्चन में आपको एन डैश गिवन होता है, एन डैश क्या होता है, एन डैश होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एन डैश क्या होता है, एन डैश होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो इस केस में आपको डिवाइडेड बाई 60 करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, ये हो गया पाई, ये हो गया डी एम, और ये हो गया तुम्हारे पास एन डैश, ये हो जाएगा, राइट। तो यहां से ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये आ जाएगा तुम्हारे पास किस में, मीटर पर सेकंड में, इज इट ओके, राइट। तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U, दैट इज नथिंग बट द मीन पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्लेड, एंड दैट इज नथिंग बट द पाई डी एम बाई, पाई डी एम एन बाई 60, ये हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इफ इट इज क्लियर देन लाइक एंड शेयर द सेशन यार, इफ इट इज क्लियर देन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। चलो ये बात हो गई। अब यहां पे अगर नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं किसके बारे में, नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं फ्लो एरिया के बारे में, फ्लो एरिया क्या होता है, फ्लो एरिया व्हाट इज द फ्लो एरिया, ये आपके पास अगर मैं फ्लो एरिया की बात करूं तो फ्लो एरिया क्या होने वाला है, व्हाट इज द फ्लो एरिया, राइट, फ्लो एरिया आपके पास क्या होने वाला है, तो फ्लो एरिया क्या होने वाला है, देखो भाई यहां से अगर आप देखोगे ना, अगर आप, ठीक है ना,
ये जो ब्लेड है इस ब्लेड की जो थिकनेस है, ठीक है ना, अगर ये जो ब्लेड है इस ब्लेड की थिकनेस को अगर हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस को हम लोग सिंप्लीफाइड वे में करना चाहते हैं, तो अगर ये जो ब्लेड है ना, इस ब्लेड की अगर थिकनेस को अगर आप नेग्लिजिबल मान के चलते हो, नेग्लिजिबल मान के अगर आप चलते हो, तो क्या हो जाएगा फ्लो एरिया। अगर मैं फ्लो एरिया की बात करूं तो फ्लो एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो इसको एक काम कर लो है ना, इसको डू वन थिंग, ये जो है ना इसको यहां से काट दो और काट के पूरा ओपन कर दो, है ना, एक काम करो इसको काट दो और काट के पूरा ओपन कर दो। तो काट के पूरा ओपन आप करोगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखो यहां पे मैं फ्लो एरिया समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, ये आपके पास, समझना ध्यान से, ये हो गया आपके पास यार, ये हो गया फ्लो एरिया, कौन सा होगा, ये होगा ना फ्लो एरिया। देखो यहां पे अगर आप फ्लो एरिया की बात कर रहे हो, अगर जो ब्लेड का जो थिकनेस है ना इसको आप नेग्लिजिबल मान के चलते हो, तो ये होगा ना तुम्हारे पास फ्लो एरिया, चलो ये होगा तुम्हारे पास फ्लो एरिया, ये दिख रहा है, ये फ्लो एरिया हो गया, ये फ्लो एरिया है, यहीं से तो स्टीम फ्लो होगा, यहीं से तो स्टीम क्या होगा, यहीं से तो स्टीम जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। ये कब की बात कर रहा हूं, अगर आप जो ब्लेड का जो थिकनेस है ना, ब्लेड के थिकनेस को अगर आप नेग्लिजिबल मान के चलते हो, और पहले ही बताया एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, एनालिसिस को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में करना चाहते हैं, एजम्पशन ले सकते हैं कि जो ब्लेड की जो थिकनेस है वो ब्लेड की थिकनेस आपके पास नेग्लिजिबल है, और आपको पता है ये क्या है भाई, ये आपके पास हो जाएगा, ये हो गया, इसको लिखना है तो ठीक है डायमीटर के टर्म में लिखना है तो डायमीटर के टर्म में लिख लो, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको तुम बोल सकते हो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है डी वन, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है डी टू, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है डी टू, ये हो गया डी टू, ठीक है ना, यही आपने बोला था। तो क्या हो जाएगा फ्लो एरिया, आप बता सकते हैं व्हाट इज द फ्लो एरिया, क्या होगा फ्लो एरिया, सिंपल ना, पाई बाई फोर, ये हो जाएगा डी टू स्क्वायर माइनस ये हो गया डी वन स्क्वायर, यही होगा ना फ्लो एरिया, पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, दिस इज द फ्लो एरिया। ये एरिया देखो यहां पे, ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसको क्या लिख सकते हो, पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, ये तो लिख सकते हो ना। अब यहां से अगर देखोगे AF is equal to, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे ना, ये हो जाएगा पाई बाई फोर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए प्लस बी, ए प्लस ये हो गया तुम्हारे पास बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, राइट। तो यहां से अगर देखोगे AF is equal to, ठीक है, एक काम करते हैं, ये है ना पाई, पाई को ऐसा लिखते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास d1 प्लस d2 बाई टू, ये हो गया d1 प्लस d2 बाई टू, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा तुम्हारे पास d2 माइनस d1 बाई टू, ये हो गया, ऐसा ही होगा, कर सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत है क्या, बताओ इसमें, सिंपल गणित, सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। अब यहां पे अगर देखोगे ये क्या है यार आपके पास, ये आपके पास क्या है, डी वन प्लस डी टू बाई टू, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है डी एम, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डी एम, अच्छा ये बता सकते हो ये क्या होगा, ये हो गया d2 टू माइनस डी वन बाई टू, ये क्या होगा बताओ, d2 टू माइनस डी वन बाई टू, ये क्या होगा, ये होगा आपके पास hb, ये आपके पास हो गया hb, hb लिखा था ना, देखो कहाँ गया, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, ये hb लिखा था, देखो यहाँ से, तो क्या आ गया फ्लो एरिया। यहाँ पे अगर मैं फ्लो एरिया की बात करूँ तो वॉट इज द फ्लो एरिया, क्या मिल गया फ्लो एरिया, ये हो गया पाई, ये हो गया डी एम, ये हो गया तुम्हारे पास hb, पाई डी एम, और ये हो गया hb, ये आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास आ गया फ्लो एरिया। तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में फ्लो एरिया दे दिया जाता है ना, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में आपको अगर फ्लो एरिया निकालने की जरूरत पड़े, मेन डायमीटर गिवन है, हाइट ऑफ द ब्लेड गिवन है, तो आप फ्लो एरिया कैसे निकालोगे, तो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड आउट द फ्लो एरिया, फ्लो एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। चलो अब यहां पे मैं बात करता हूं किसके बारे में, अब मैं बात करता हूं स्टेजिंग का मतलब क्या होता है। देखो यहां पे स्टेजिंग का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। अरे आया क्या समझ में, आया क्या समझ में, इतना आया क्या, जल्दी से बताओ आया क्या समझ में इतना। नेक्स्ट यहां पे जैसे मैंने बोला था, देखो यहां पे हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, यहां पे हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, देखो भाई यहां पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, मैंने बोला ना सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन, मैंने बोला ना इसके बारे में हम लोग बात करने वाले, तो इंपल्स टर्बाइन का मतलब तो समझ में आ गया है
है ना, इंपल्स टरबाइन का जो मतलब है ये तो आपके पास समझ में आ गया, इंपल्स टरबाइन, सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे इंपल्स टरबाइन का मतलब तो समझ में आ गया कि इंपल्स टरबाइन होता क्या है। आपको समझना क्या है, आपको समझना सिंगल स्टेज, क्या होता है सिंगल स्टेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिंगल स्टेज। देखो जब हम सिंगल स्टेज बोलते हैं ना, सिंगल स्टेज, तो सिंगल स्टेज में क्या होता है, सिंगल स्टेज में क्या होगा, देखो यहां पे अगर आप देखोगे ना, देर इज अ वन रो ऑफ नोजल, यहां पे आपके पास एक रो मिलेगा किसका, एक रो मिलेगा नोजल का, एंड देर इज अ अनदर रो ऑफ द मूविंग ब्लेड, देर इज अ अनदर रो ऑफ द मूविंग ब्लेड, ऐसा। तो एक्चुअली ऐसा रो नहीं होता है, आपके पास तो ऐसा होता है ना, आपके पास एक्चुअली ऐसा होता है, ये होता है। तो अभी मैंने इसको क्या किया पता, इसको मैंने काट दिया है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए कैसे बता रहा हूं, समझो यहां पे, इसको हमने क्या किया, इसको हमने काट दिया, यहां से काट दो, देखो यहां से क्या किया, यहां से इसको काट दो, यहां से इसको काट दो, काट दो ऐसे, काट दो पूरा कंप्लीटली, और इसको फिर ना ओपन कर दो, समझ रहे हैं? आपके पास कैसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो एक मिनट, हाँ ये एक पेज ले लेता हूं मैं, देखो ये आपके पास एक पेज ले लेता हूं ऐसा, है ना भाई, ये आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे, या फिर और कुछ है क्या मेरे पास आपको समझाने के लिए, चलो ठीक है इसी में मैं समझाता हूँ, ये हो गया, ठीक है भाई इधर देखना, ये आपके पास है, इधर देखो, ये आपके पास देखोगे ऐसा, ठीक है, ये दिख पा रहा है क्या, ये सबको दिख पा रहा है, ये ऐसा। अब इसके बाद क्या कर दो, यहां से काट दो और काट के ऐसा ओपन कर दो, ऐसा ओपन, तो ऐसा ओपन कर दिया ना, आपकी कॉपी आपके पास ये पेज होगा, तो ये आपके पास कैसा है, ये आपके पास ऐसा है ना। एक्चुअल में आपके पास अगर ब्लेड को देखोगे या व्हील को देखोगे तो व्हील तो ऐसा है ना भाई, व्हील तो ऐसा है, तो सर आप इसको रो के फॉर्म में कैसे शो कर दे रहे हो, तो मैंने बोला मैंने इसको काट दिया, और काट के क्या कर रहा हूं, काट के इसको फिर ऐसा शो कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही शो कर रहा हूं, आया क्या समझ में, है ना। तो सेम चीज यहां पे है, आप मेरे को बोलोगे कि सर रो कैसे बना दिए यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आप अंडरस्टैंड करोगे, तो ये आपके पास एक रो हो गया, ये आपके पास दूसरा रो है, ये आपके पास किसका रो है, ये नोजल का है ना, ये आपके पास क्या, ये आपके पास है नोजल, ये आपके पास क्या भाई, ये आपके पास है नोजल, दिस इज द नोजल, ये आपके पास क्या, ये आपके पास है नोजल, राइट, और ये आपके पास क्या, ये आपके पास है मूविंग ब्लेड वाला रो, है ना, ये आपके पास शॉर्ट में लिखता हूं, ये हो गया एमबी, एमबी का मतलब क्या है, एमबी का मतलब है मूविंग ब्लेड, एमबी का मतलब क्या है, एमबी का मतलब है मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड, एमबी का मतलब क्या है, एमबी का मतलब है मूविंग ब्लेड, एमबी का मतलब क्या है, एमबी का मतलब है मूविंग ब्लेड, राइट। तो दिस इज द रो ऑफ नोजल एंड दिस इज द रो ऑफ द मूविंग ब्लेड, राइट। इंपल्स टर्बाइन के केस में, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंपल्स टर्बाइन के केस में व्हेन आई से सिंगल स्टेज, तो वन रो ऑफ द नोजल प्लस वन रो ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू सिंगल स्टेज, गेटिंग माई पॉइंट। इन केस ऑफ द इंपल्स टर्बाइन, वन रो ऑफ द नोजल, एक रो आपके पास नोजल का प्लस वन रो ऑफ द मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू वन स्टेज। सो वन स्टेज की अगर मैं बात करता हूं इन केस ऑफ द इंपल्स टर्बाइन, तो वन स्टेज इज इक्वल टू, वन स्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वन रो ऑफ नोजल, वन रो ऑफ नोजल, वन रो ऑफ नोजल प्लस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, प्लस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, प्लस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, वन रो ऑफ नोजल प्लस वन रो ऑफ मूविंग ब्लेड, दैट इज इक्वल टू वन स्टेज, दैट इज इक्वल टू वन स्टेज, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे भाई, सी हियर, यहां पे मैं आपको शो करता हूं नोजल, देखो यहां पे सारा चीज मैं यहां पे शो करने वाला हूं ना, इधर देखना, ये हो गया ऐसा, आपको नोजल मिलेगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, है ना, ये हो गया। और यहां पे अगर शो करोगे, राइट, तो ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास क्या है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, यहां से स्टीम फ्लो कर रहा है, स्टीम जो है यहां से
फ्लो कर रहा है। राइट, चलो अब यहां से अगर आप देखोगे नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट इधर है मूविंग ब्लेड, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मूविंग ब्लेड। देखो यहां पे मूविंग ब्लेड इस तरीके से आपके पास क्या होगा, इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ मूविंग ब्लेड्स होंगे, है ना। चलो मैं दो ही शो करता हूं यहां पे, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मूविंग ब्लेड, ये आपके पास है मूविंग ब्लेड, है ना, समझ में आ रहा है। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया मूविंग। तो ये आपके पास दिख रहा है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, सी यहां पे ध्यान से समझना, ये आपके पास है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल, राइट, ये आपके पास दिख रहा होगा। ये हो गया, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, नोजल मूविंग ब्लेड, फाइन। चलो अब यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पे आपके पास क्या होने वाला है भाई, यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे समझने की कोशिश करना, राइट। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है टर्बाइन का इनलेट, समझना, यहां पे सिंगल स्टेज की बात हो रही है, तो सिंगल स्टेज में क्या होगा, टर्बाइन में आपके पास वन रो ऑफ द नोजल एंड वन रो ऑफ द मूविंग ब्लेड। तो अगर नोजल के इनलेट पे अगर मैं बोलूं कि नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर होगा वो नोजल के इनलेट पे प्रेशर क्या होगा, अगर मैं नोजल के इनलेट की बात करता हूं तो नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, तो नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर होगा दैट इज नथिंग बट द बॉयलर प्रेशर, ठीक है। नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, वो होगा बॉयलर प्रेशर। यहां पे आपके पास जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, दैट प्रेशर इज द बॉयलर प्रेशर, दैट इज पीबी, राइट। और यहां पे आपके पास देखोगे ना, ये जो मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है, मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है वो टर्बाइन का एग्जिट है, ठीक है, और टर्बाइन के एग्जिट पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है, रिमेंबर यार, अरे ये याद करो ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इतना घबराना नहीं है भैया, सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ चीजों को ना आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इधर देखो, और यहीं पे चीजें मिस होती है, ये हो गया टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट, ये पढ़ा है आपने, ये डोम हो गया आपके पास, ये कौन सा प्रेशर है, ये हायर प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है, ये तुम्हारे पास हायर प्रेशर है, ये हायर प्रेशर है, राइट, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है कंडेंसर का प्रेशर, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है कंडेंसर का प्रेशर, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर, दिस इज द बॉयलर प्रेशर, ये हो गया बॉयलर प्रेशर, बॉयलर प्रेशर को मैं यहां पे बोल रहा हूं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पी नॉट, राइट। अब यहां पे तुम क्या करते हो, देखो जब आपके पास टर्बाइन, आप बोलते हो कि टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है ये बोलते हो, पॉइंट नंबर वन को यहां पे शो कर देते हो, ये पॉइंट नंबर वन हो गया, और यहां से यहां तक इस तरीके से तुम क्या कर देते हो, ये हो गया तुम्हारे पास आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ये ऐसा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन आपके पास हो रहा है, चलो ऐसा कुछ है ना भाई, ऐसा ही तो शो करते हो आप। अब यहां पे ना यही चीजें तो मैं यहां पे शो कर रहा हूं, इसी चीज को तो मैं यहां पे शो कर रहा हूं। अब आपके पास देखो, जब आप साइकिल की एनालिसिस कर रहे थे, जब आप रैंकाइन साइकिल की एनालिसिस कर रहे थे, तो आपने बोला ठीक है आपके लिए बड़ा आसान हो गया था कि टर्बाइन में आपके पास आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, बट टर्बाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन कैसे होता है, नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो टर्बाइन में क्या होता है, टर्बाइन में ठीक है, अगर मैं सिंगल स्टेज इंपल्स स्टीम टर्बाइन की बात कर रहा हूं, तो इन अ सिंगल स्टेज इंपल्स स्टीम टर्बाइन देयर इज अ वन रो ऑफ द नोजल, एक रो आपके पास नोजल होगा और एक रो आपके पास क्या होगा, एक रो आपके पास मूविंग ब्लेड का होगा, राइट। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो, इसको मैंने वन बोला, इसको मैंने टू बोला, तो आई विल डू वन थिंग, मैं एक काम करता हूं, इसको वन ना बोल के ना, इसको मैं वन ना बोल के इसको मैं बोलता हूं नॉट, क्यों नॉट बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं ये मेरे पास हो गया नॉट, दिस इज नथिंग बट द नॉट, और ये मेरे पास क्या हो गया भाई, ये मेरे पास हो गया, इसको मैं बोलता हूं ये हो गया टू, ठीक है। और वन कहां पे होगा सर, अरे वन यहां कहीं पे बीच में आएगा, वन यहां कहीं पे बीच में आएगा, ठीक है। इसको मैं रिलेट करना चाह रहा हूं, इससे मैं रिलेट करना चाह रहा हूं। तो देखो, ये आपके पास बॉयलर प्रेशर है, जिसको तुम बोल सकते हो क्या, ये बॉयलर प्रेशर है ना, इसको तुम बोल सकते हो ये हो गया तुम्हारे पास पी नॉट, ये तुम्हारे पास हो गया पी नॉट, है ना, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया पी नॉट। अब यहां पे देखो, ये आपके पास, इसको मैं बोलता हूं ये नॉट है, मतलब नोजल का जो इनलेट है वो नॉट है, नोजल का जो एग्जिट है ये वन है, ठीक है। मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास टू है, ठीक।
नोजल का इनलेट नॉट है, नोजल का एग्जिट वन है, मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है टू। तो यहां पे इनलेट पे नोजल के इनलेट पे जो प्रेशर है बॉयलर प्रेशर, और मूविंग ब्लेड के जो एग्जिट पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, दैट इज नथिंग बट द कंडेंसर प्रेशर। यहां पे जो प्रेशर होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, दैट इज द कंडेंसर प्रेशर। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट P2 इज इक्वल टू, यू कैन से दिस इज PC, P2 इज इक्वल टू क्या हो गया PC, मतलब PC मतलब कंडेंसर प्रेशर। ओके फाइन, चलो अब यहां पे अगर देखोगे नोजल के इनलेट पे यहां पे वेलोसिटी, प्लीज बाबू ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैम पहले ही बोल रहा हूं आसान नहीं है, दिस टॉपिक इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये टॉपिक आपके पास डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट यानी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अच्छे से समझ जाओगे तो कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। देखो इजी टॉपिक तो हर कोई पढ़ लेता है, एक चीज समझना, ठीक है, इजी टॉपिक क्वेश्चन आएगा, इजी टॉपिक 100 में से 95 लोग बना के आएंगे, ठीक है। डिफिकल्ट टॉपिक का क्वेश्चन आएगा 100 में से 20 लोग बना के आएंगे, एंड वहीं आपके पास क्या होता है, वहीं आपके पास डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। इजी टॉपिक हर कोई बनाएगा, डिफिकल्ट टॉपिक में आपके पास जो बना लिया उसका, ठीक है, बेड़ा पार हो गया, उसका आपके पास पार हो गया, ठीक है। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है, और देखो एक बार में समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया यार तो फिर से देख लेना, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख सकते हो, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ठीक है चलो, अब यहां पे अगर देखोगे ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास यहां पे जो वेलोसिटी है, देखो यहां पे जो वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं यहां पे वेलोसिटी वी नॉट है, है ना। स्टीम की जो वेलोसिटी है यहां पे क्या है, स्टीम की जो वेलोसिटी है, देखो यहां पे स्टीम की जो वेलोसिटी है यहां पे क्या है, यहां पे वी नॉट, यहां पे तुम्हारे पास क्या है, यहां पे तुम्हारे पास है वी वन, और यहां पे तुम्हारे पास क्या है, यहां पे तुम्हारे पास है वी टू, राइट। यहां पे वी नॉट है, यहां पे वी वन है, और यहां पे वी टू है, यहां पे प्रेशर पता है पी नॉट है, और यहां पे प्रेशर पी टू है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ना आपको वेलोसिटी का वेरिएशन शो करता हूं, ठीक है, वेलोसिटी का वेरिएशन मैं शो करता हूं, जिसको समझ में आ गया ना, मतलब मैं पहले ही बता रहा हूं ये टॉपिक आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको, ठीक है ना, कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा, अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं बैठोगे, आना जाना करोगे तो भाई ऐसे भी समझ में नहीं आने वाला है। और मैं लिख के दे रहा हूं आज के बाद से ना, मैं आपके पास आपके जो डाउट्स होते हैं ना अलग से, जो आप पूछते हो कि सर ये दे, ये बता दो, वो बता दो, ये तो मैं कभी बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। जो डाउट्स है वो स्पेशल सेशन में आप पूछो, स्पेशल सेशन में आओगे मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। आप यहाँ पे पूछोगे, यहाँ पे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं तो स्पेशल सेशन में आके आप पूछ लो, वहां पे मैं डाउट बता दूंगा, ठीक है। अलग से पर्सनली पूछोगे तो आई एम नॉट इंटरटेनिंग एट ऑल, ठीक है, नहीं इंटरटेन करने वाला हूं, बिकॉज ठीक है इतना पढ़ाने के बाद, ये कंटेंट देने के बाद अगर स्ट्रेंथ इज टू मच लो, ठीक है, देन यार, ठीक है, मेरी तरफ से भी आप उम्मीद करना छोड़ दो कि मैं आपकी कोई हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं ना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओ, लाइव आओगे आप, जितना लाइव आओगे डेफिनेटली जितना मेरे से हो पाएगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आओगे तो भाई आप मेरे से भी उम्मीद मत करो कि ठीक है कि सर ये करेंगे वो करेंगे, बाद में आप बोलते रहते हो कि सर ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ये नोट्स दे दीजिए वो नोट्स दे दीजिए, एंड ठीक है ये डाउट है सर वो डाउट है, तो भाई मैं भी अब इंटरटेन नहीं करने वाला हूं, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा कोई भी चीज होती है इट शुड बी टू साइडेड, इट नॉट बी वन साइडेड ना, इफ आई एम, ठीक है, मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूं आपकी तरफ से एफर्ट नहीं है यार, मैं भी, ठीक है ना, मैं भी, ठीक है, बाकी बच्चों को ही पता है जो बच्चे लाइव आ रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। देखो मैं उन बच्चों के लिए नहीं बोल रहा हूं जो लाइव बैठे हैं ना, प्लीज आप लोग माइंड मत करना उसको, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखते हैं, ठीक है। मैं ऑलरेडी अगर मैंने बोला हुआ है कि भाई आप लाइव आओ, ठीक है ना, आई एग्री, ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे रात को 10 बजे से सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम लोगों का सेशन जो होता था रात को 10 बजे होता है और 11:30 बजे तक हम लोग पढ़ते, फिर भी सुबह क्लास कर रहे, ठीक है, मैं भी क्लासेस ले रहा हूं और बाकी बच्चे भी क्लासेस कर रहे, ठीक है। तो जब हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, चलो ठीक है आपको तो पढ़ना है, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, तो यार आप लोग क्यों एफर्ट नहीं डाल रहे हो, क्या दिक्कत है सुबह उठने में, सुबह उठने में कोई दिक्कत है क्या, इतना मस्त है आपके पास सुबह, एक बार सेशन, दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है, अगर दिन की शुरुआत अगर आपकी अच्छी होगी तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप अपना दिन जो है वो कैसा स्टार्ट करते हैं, आप अपना दिन अगर एक डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे ना, एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, तो मैं बता सकता हूं कि जब आप रात में जाओगे ना, ठीक है, आप एक सेटिस्फेक्शन फील करोगे, ठीक है ना, एंड दिस इज द की मंत्रा, यही आपके पास सक्सेस का मंत्रा होता है, ठीक है। अगर आपके दिन की शुरुआत एक डेडिकेशन के साथ होती है, ठीक है, एक डिटर्मिनेशन के साथ होती है, रात में आप एक सेटिस्फेक्शन फील करते हो, इसका मतलब एकदम आप सही रास्ते पे हो,
ठीक है, नहीं तो हमेशा आपको रिग्रेट होता रहेगा, ठीक है यार मेरे को दिन में ये कर लेना था वो कर लेना था, एंड वही सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो आप, थोड़ा सा क्या, मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली। आप बोलोगे कि सर कंफर्ट जोन में रहे और कंफर्ट जोन में हमें सक्सेस मिल जाए, तो कंफर्ट जोन में कभी भी सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कंफर्ट जोन में कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है, ठीक है ना। और कंफर्ट जोन में अगर किसी को मिलता है ना, तो वो लाखों में एक आती होता है, समझ रहे, जिसको आपके पास किस्मत से मिल जाता है। कंफर्ट जोन में कभी आपको कोई चीज नहीं मिलती, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। राइट, चलो अब यहां पे आ जाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको ना यहां पे वेलोसिटी का वेरिएशन शो करता हूं। देखो यहां पे भाई, यहां पे ये बताओ, ये आपके पास नोजल का इनलेट है। देखो मैं यहां पे मैं आपको ना वेलोसिटी का जो वेरिएशन है और प्रेशर का वेरिएशन मैं दोनों शो करने वाला हूं। देखो यहां पे सबसे पहले प्रेशर का वेरिएशन देख लेते हैं ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रेशर का वेरिएशन देख लेते हैं, तो समझना आसान हो जाएगा। देखो यहां पे प्रेशर क्या है, यहां पे प्रेशर हायर प्रेशर है ना। यहां पे प्रेशर क्या, यहां पे प्रेशर पी नॉट है ना। यहां पे प्रेशर क्या, यहां पे प्रेशर पी नॉट है ना। बिल्कुल सर, यहां पे प्रेशर पी नॉट है। अब देखो, अब नोजल में क्या होने वाला है, नोजल में काम क्या होता है, क्या होता है नोजल का काम, बच्चा लोग बताएंगे नोजल का काम क्या होता है, नोजल का जो काम है वो नोजल का काम क्या होता है, बताओ। नोजल का काम बता दोगे तो ठीक है, चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या होता है नोजल का काम बताइए, अगर मैं नोजल बोलूं तो नोजल का काम क्या है, बताओ नोजल का काम क्या है। नोजल का काम होता है प्रेशर ड्रॉप होगा और आपके पास जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। मतलब प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। राइट, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास इंक्रीज होगी। नोजल का काम यही होता है, नोजल का काम यही होता है। अब देखो, अब यहां पे अगर देखोगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा। तो देखो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, यहां पे पी नॉट है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। आप बोलोगे कि सर प्रेशर कैसे रिड्यूस होगा, तो दैट इज नॉट अवर कंसर्न, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ बच्चे इसी में आपके पास पीएचडी करना स्टार्ट कर देंगे कि सर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, लॉगरिथमिकली डिक्रीज होगा, हाइपरबोलिकली डिक्रीज होगा, लीनियर डिक्रीज होगा, सर कैसे डिक्रीज होगा, दैट इज नॉट अवर कंसर्न। ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट एनालाइजिंग द नोजल, हम नोजल को एनालिसिस नहीं कर रहे कि नोजल में जो प्रेशर का ड्रॉप होगा वो कैसे होगा, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे प्रेशर ड्रॉप कैसा भी बनाओ, सिर्फ मुझे ड्रॉप शो करना है। बात समझ में आ रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे ड्रॉप शो करना है। नोजल के अंदर ड्रॉप कैसे हो रहा है, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द नोजल, हम नोजल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। नोजल में सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्रेशर का क्या होगा, प्रेशर का ड्रॉप होगा, दैट्स इट, इज इट ओके। चलो, तो यहां पे आपके पास क्या हो गया, ये हो गया प्रेशर पी नॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या, प्रेशर ड्रॉप होके कितना आ गया, प्रेशर ड्रॉप होके ये आ गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास पी वन। प्रेशर ड्रॉप होके क्या गया, प्रेशर ड्रॉप होके क्या हो गया तुम्हारे पास पी वन, इज इट ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको पता है हम बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इंपल्स टर्बाइन की। यहां पे बात किसकी हो रही है, बात हो रही है इंपल्स टर्बाइन की, और इंपल्स टर्बाइन की अगर बात हो रही है तो हमें यह पता है कि इंपल्स टर्बाइन के केस में क्या होता है, इंपल्स टर्बाइन के केस में ठीक है, आपके पास जो मूविंग ब्लेड है, इस मूविंग ब्लेड में कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया P2, और P2 is equal to P1, and this is you can say also equal to PC, और ये P0 क्या है तुम्हारे पास, ये P0 जो है वो तुम्हारे पास boiler pressure है, ये तुम्हारे पास कौन सा pressure है, ये तुम्हारे पास है boiler pressure। क्या बात समझ में आ गया इतना, चल अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब यहां पे ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास प्रेशर का वेरिएशन है, ये आपने प्रेशर का वेरिएशन शो किया। अब आपको वेलोसिटी का वेरिएशन शो करना है, तो वेलोसिटी का वेरिएशन अगर शो कर रहा है तो वेलोसिटी का वेरिएशन देखिए, वेलोसिटी का वेरिएशन यहां पे अगर मैं बोलता हूं, यहां पे वेलोसिटी मेरे पास क्या है, यहां पे वेलोसिटी मेरे पास है v नॉट, यहां पे जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मेरे पास क्या है, दिस वेलोसिटी इज v नॉट, यहां पे जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट। राइट, अब क्या होने वाला है यार, अब यहां पे ठीक है प्रेशर का ड्रॉप होगा, तो मैंने बोला नोजल, नोजल में क्या होता है प्रेशर कम होगा वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर एनर्जी रिड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक, चलो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी, कितना हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया दैट इज नथिंग बट द v1, ये तुम्हारे पास कितना हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया v1। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, अब यहां पे देखो भाई क्या होने वाला है, अब यहां पे मूविंग ब्लेड में क्या होने वाला है, तो मूविंग ब्लेड में क्या होने वाला है, मूविंग ब्लेड में ये जो इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी, वही तो पावर आउटपुट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, वही काइनेटिक एनर्जी तो आपके पास क्या होगा, आपको पावर आउटपुट के फॉर्म में मिलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होगी और पावर आउटपुट आपको मिलेगा। तो अब यहां पे अगर देखोगे, यहां पे वेलोसिटी अगर v1 है, तो अब यहां पे क्या होने वाला है,
जब मूविंग ब्लेड से पास होगा स्टीम, जब स्टीम आपके पास मूविंग ब्लेड से पास होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास रिड्यूस होगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है, ये हो गया आपके पास। ठीक है भाई, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, रिड्यूस हुआ है, और ये वेलोसिटी आपके पास क्या है, दिस वेलोसिटी इज वी टू, ये हो गया राइट। तो ये जो रेड वाला जो आप देख रहे हो ना, रेड वाला, ये रेड वाला किसका वेरिएशन है, ये रेड वाला वेलोसिटी का वेरिएशन है। ये आपके पास वेलोसिटी वेरिएशन को शो कर रहा है, वेलोसिटी वेरिएशन को, वेलोसिटी वेरिएशन को। और ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला किसको शो कर रहा है, ये ब्लैक वाला शो कर रहा है प्रेशर वेरिएशन को। ये ब्लैक वाला क्या शो कर रहा है, ये ब्लैक वाला शो कर रहा है प्रेशर वेरिएशन को। ये ब्लैक वाला क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रेशर वेरिएशन को। तो क्या यहां तक क्लियर है, क्या वेलोसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन समझ में आया क्या, वेलोसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन समझ में आया क्या, वेलोसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन समझ में आया क्या, बताइए भाई यहां से। चलो अब यहां से अगर ये समझ में आ गया तो अभी हमको निकालना क्या है, ये भी समझना पड़ेगा, निकालना क्या है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेट ऑफ वर्क डन, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ वर्क डन बाई द जेट, रेट ऑफ वर्क डन बाई द जेट ऑन द ब्लेड, रेट ऑफ वर्क डन बाई द जेट ऑन द ब्लेड, रेट ऑफ वर्क डन बाई द जेट ऑन द ब्लेड, ये आपको फाइंड आउट करना है राइट। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ब्लेडिंग पावर या फिर डायग्राम पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लेडिंग पावर या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्राम पावर, डायग्राम वर्क भी बोल देते हैं, है ना, डायग्राम पावर, ठीक है, ब्लेडिंग पावर या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डायग्राम पावर। दिस इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय द जेट ऑन द ब्लेड। तो ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका सिंपल है, ये आपके पास हो गया टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई ब्लेड पेरिफेरल वेलोसिटी, एफ टी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, एफ टी मल्टीप्लाइड बाई यू। अब एफ टी फाइंड आउट करना है, अगर एफ टी फाइंड आउट करना है तो एफ टी कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मुझे एफ टी फाइंड आउट करना होगा तो ये एफ टी में कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो भाई आसान है, ये एफ टी फाइंड आउट करना भी है ना, ये एफ टी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखोगे, ये एफ टी किसके इक्वल होता है, दैट इज नथिंग बट द एक्स, और ये आपके पास किसके बराबर होगा, बताया था मैंने, दैट इज माइनस, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ जेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ जेट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द जेट लिखते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द जेट क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम रेट माइनस इनिशियल मोमेंटम रेट, है ना, यही होगा ना। अगर आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द जेट, तो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट माइनस इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट, क्योंकि मोमेंटम चेंज तो यही होगा ना। अब यहां पे माइनस साइन सामने है, तो माइनस साइन सामने है, अब माइनस साइन क्यों आया था बेटा, तो मैंने ये कल आपको बताया था, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल मोमेंटम रेट, ये आपके पास आ गया इनिशियल मोमेंटम रेट किसका, जेट का, किस डायरेक्शन में आप निकाल रहे हो यार, ये तुम्हारे पास किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर, किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, एक्स डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन एक्स डायरेक्शन, ये हो गया, यही बनेगा यार, है ना, इनिशियल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम रेट ऑफ द जेट इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, यहां से मैं एफ एक्स या फिर एफ टी जो है ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इज इट ओके, इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आया क्या, चलो अगर इतना समझ में आया है तो अब अपने को करना क्या है, अब अपने को निकालना क्या है, निकालना यही है ना, आपने को निकालना एफ टी, और एफ टी निकालने के लिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा, ये तुम्हारे पास एक ब्लेड ले लो, है ना, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास टर्बाइन है, या टर्बाइन में जो व्हील है उसमें जो नंबर ऑफ ब्लेड्स माउंटेड है ना, उसमें से कोई एक ब्लेड ले लो समझने के लिए, ये एक ब्लेड मैंने ले लिया, है ना, ये मैंने एक ब्लेड ले लिया, है ना, और यहां पे अगर वेलोसिटी डायग्राम आप बनाओगे तो वेलोसिटी डायग्राम बनाया जा सकता है,
कल मैंने आपको सिखाया इतने अच्छे से वेलोसिटी डायग्राम बनाना, ठीक है, तो बनाया जा सकता है वेलोसिटी डायग्राम, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बना सकते सर, ये देखो ये हो गया तुम्हारे पास, क्या ये हो गया तुम्हारे पास वी आर वन, ये हो गया वी आर वन, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया यू वन, ये हो गया यू वन, जो क्लोजिंग साइड होगा, जो क्लोजिंग साइड होगा, क्लोजिंग साइड कौन सा है, क्लोजिंग साइड कौन सा है, ये क्लोजिंग साइड है, और ये जो क्लोजिंग साइड है ये किसको शो करता है, ये शो करता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी को, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास वी वन। नाउ वी वन हैज अ टू कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है, राइट, ये जो कंपोनेंट है यहां से यहां तक इसको आप क्या बोलते थे, ये हो गया तुम्हारे पास वी डब्ल्यू वन, इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था ये हो गया वी डब्ल्यू वन, और ये जो कंपोनेंट है इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था ये हो गया वी एफ वन, ये हो गया, ठीक। अच्छा यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा, ये तो यू वन है, ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है ये यू वन है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डब्ल्यू वन माइनस ये हो गया यू वन, ठीक है। अच्छा ये एंगल की अगर मैं बात करूं, ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है, समझ पा रहे हो क्या, ये एंगल है अल्फा वन और ये जो एंगल है ये एंगल होगा दैट इज बीटा वन, ये हो गया। तो दिस इज द इनलेट वेलोसिटी डायग्राम, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इनलेट पे वेलोसिटी डायग्राम जैसा आपने पहले पढ़ा था, राइट। एग्जिट पे देखोगे तो एग्जिट पे भी देख सकते हो, देखो एग्जिट पे क्या हो जाएगा, एग्जिट पे अगर आप देखोगे तो ये तुम्हारे पास वी आर टू है ना, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास वी आर टू, दिस इज द वी आर टू, एक काम करता हूं सेम कलर से बनाता हूं, है ना, वी आर, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया वी आर टू, राइट, वी आर टू, ये हो गया वी आर टू, राइट। नाउ ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास यू टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास यू टू, ये हो गया यू टू। क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड क्या शो करेगा, क्लोजिंग साइड शो करेगा किसको, ये हो गया तुम्हारे पास वी टू को, ये क्लोजिंग साइड है, क्लोजिंग साइड किसको शो करेगा, क्लोजिंग साइड शो करेगा वी टू को, राइट, वी टू को। और यहां पे वी टू के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, है ना, ये कंपोनेंट है इसको मैं बोलता हूं ये वी एफ टू हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये वी एफ टू है और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है वी डब्ल्यू टू, ये हो गया वी एफ टू और ये तुम्हारे पास क्या हो गया वी डब्ल्यू टू। तो टोटल यहां से यहां तक किसके बराबर है, ये यू टू के बराबर है, टोटल यहां से यहां तक तो ये यू टू के बराबर था, ये किसके बराबर है, ये यू टू के बराबर है, और ये जो आपके पास यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू टू माइनस ये हो गया वी डब्ल्यू टू, यू टू माइनस यू डब्ल्यू टू, ठीक है भाई, ये पूरा U2 था ना, ये पूरा यहां से यहां तक ये U2 था, ये U2 था, ये VW2 है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास VW2 है, ये शो किया हुआ है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी यहां पे शो किया हुआ है, राइट। अब यहां पे अगर देखोगे ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इसको मैंने क्या बताया था, ये तुम्हारे पास हो गया बीटा टू, ये हो गया बीटा टू है ना, चलो सेम कलर से यहां पे शो करना है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया बीटा टू और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया अल्फा टू, ये सारा मैंने कल आपको समझाया था, है ना। तो भाई जिन्होंने ये सेशन अटेंड नहीं किया है तो प्लीज पहले पुराने सेशंस को जाके देखो, तब तुमको वेलोसिटी डायग्राम का पूरा आइडिया हो जाएगा, एंड वेलोसिटी डायग्राम आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार दिमाग में बैठ गया कभी भी ना आपको कंप्रेसर का वेलोसिटी डायग्राम को समझने में दिक्कत जाएगा, ना हाइड्रोलिक मशीन में पेल्टन फ्रांसिस कापलान प्रोपेलर पढ़ लो उसके वेलोसिटी डायग्राम को समझने में दिक्कत जाएगा, ना ही आपके पास पंप पढ़ोगे तो पंप के वेलोसिटी डायग्राम को समझने में दिक्कत जाएगा, और ना ही स्टीम टर्बाइन पढ़ोगे तो उसके वेलोसिटी डायग्राम को समझने में दिक्कत जाएगा, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो, अगर क्लियर है तो, राइट। तो अब यहाँ पे आपने ये भी देखा कि यू वन इज इक्वल टू यू टू इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, ये यू के बराबर था, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास पाई डी एम एन बाई, ये हो गया तुम्हारे पास 60, राइट। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे वी आर टू और वी आर वन में क्या रिलेशन है, तो वी आर टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द वी आर वन, राइट, वी आर टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द वी आर वन, वी आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ दी की, के टाइम्स क्या हो जाएगा, के टाइम्स वी आर वन, राइट। अगर मैं यहां पे बोलूं वी आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ द वी आर वन, और ये जो के है ना, इस के को मैं क्या बोलता हूं, ये जो के है, इस के को मैं बोलता हूं दैट इज कॉल्ड ब्लेड फ्रिक्शन फैक्टर, ये जो के है ना, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं, इस के को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ब्लेड
friction factor. This is called blade friction factor. That K is called the blade friction factor. और ये जो K होता है, this is less than or equal to 1. Less than or equal to 1, right? अब आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसा आपके पास स्टेटमेंट मेंशन होता है कि लेट अस अज्यूम ब्लेड इज द फ्रिक्शनलेस, है ना, आपके पास क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होता है कि लेट अस अज्यूम जो ब्लेड है वो ब्लेड आपके पास क्या है, ब्लेड आपके पास फ्रिक्शनलेस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है ब्लेड इज फ्रिक्शनलेस, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि ब्लेड बोलता है अगर फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब क्या है, के की वैल्यू किसके बराबर है, के की वैल्यू 1 के बराबर है. और अगर आपके पास क्वेश्चन में फ्रिक्शनलेस नहीं बोला है तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आपके पास जो K की जो वैल्यू है वो आपके पास मेंशन होगी. और K की वैल्यू डिपेंड करता है कि ब्लेड में कितना फ्रिक्शन हो रहा है. हायर फ्रिक्शन अगर है, ठीक है, अगर आपके पास ब्लेड में, अगर आपके पास हायर फ्रिक्शन है या ब्लेड में लोअर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो K की वैल्यू है ये आपके पास प्रॉब्लम में मेंशन रहेगा, है ना. तो वहां से K की वैल्यू को आप ले सकते हो. सो VR2 और VR1 में क्या रिलेशन है, that VR2 is equal to K times of the VR1. Is it okay? चलो, इतनी बात भी क्लियर हो गई. अब यहां पे अपने को निकालना क्या था, बेसिकली आपको निकालना क्या था, निकालना था FT. ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास FT. और FT की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ है, देखो FT की अगर मैं बात करूं, that initial momentum rate of the jet in x direction minus final momentum rate of the jet in the x direction, right? So initial momentum rate of the jet in the x direction क्या हो जाएगा, ये हो गया m dot. Right, this is the m dot. What is the m dot? That m dot is nothing but the mass flow rate of the stream. Right, तो यहां से देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये हो गया m dot, ये हो गया vx1 minus, ये हो जाएगा तुम्हारे पास m dot, या लिखना तो ऐसा भी लिख लो, m dot 1 vx1, ये हो जाएगा m dot 2, और ये हो गया तुम्हारे पास vx2. क्या मतलब है सर इसका, इसका मतलब है अगर मैंने ये लिखा है ना m dot 1 vx1 initial momentum rate, m.2 vx2 final momentum rate, किस direction में, किस direction में हमें जो tangential force मिल रहा है वो tangential force क्या है, what is this tangential force, this is nothing but the force का component x direction में. इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैं momentum, मैं rate of change of momentum की बात कर रहा हूं, किस direction में, rate of change of momentum in x direction. Is it okay? अब यहां से सीधी सी बात है भाई, यहां पे देखो, अगर मैं m.1 और m.2 की बात करूं तो m.1 is equal to m.2 is equal to, ये हो गया आपके पास m. कोई भी लॉस नहीं हो रहा है स्टीम मास का, जितना मास एंटर कर रहा है उतना बाहर निकल रहा है, ठीक है. तो m.1 is equal to m.2 is equal to m. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास m. को बाहर निकाल लेते हैं. अच्छा, vx1 क्या है, vx1 यार, what is the vx1, अरे vx1 जो है ना v1 का x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट. अगर मैं vx1 की बात करूं तो vx1 क्या है, vx1 है v1 का x वाला कंपोनेंट. vx2 अगर मैं बात करूं तो v2 का x वाला कंपोनेंट. तो आप मेरे को बताओ v1 का x वाला कंपोनेंट क्या, मैं बाबू ये लिख सकता हूं vx1 is equal to vw1, क्या लिख सकते हैं क्या vx1 is equal to vw1, क्योंकि v1 का जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो वर्ल वाला कंपोनेंट है vw1. इन अ सिमिलर बेसिस अगर मैं लिखना चाहूं vx2, तो मैं ये vx2 को क्या लिख सकता हूं, what is this vx2, this vx2 is nothing but the, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास vw2, vx2 is equal to क्या आ जाएगा vw2, ठीक. नाउ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास vw1 minus, ये हो गया तुम्हारे पास vw2, ये हो गया vw1 minus, ये हो गया vw2, है ना. ये आपके पास जो ऊपर बार का साइन लगा है ना, एक्चुअली ये वेक्टोरियल फॉर्म है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में, क्यों वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है. तो देखो यहां पे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो निगेटिव, साइन को कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, साइन को क्या है, साइन को कंसिडर करना पड़ेगा. तो इसीलिए मैंने ऊपर क्या कर दिया, ऊपर मैंने वेक्टर का साइन शो किया हुआ है. तो अगर आपके पास पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो वो वेलोसिटी निगेटिव, राइट. अच्छा, यहां के हिसाब से देखोगे, इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, VW1 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा. अगर VW1 अगर देखोगे तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये तुम्हारे पास V1 था ना, देखो ये V1 था, ये तुम्हारे पास क्या हो गया VW1. तो VW1 बताओ क्या दिख रहा है, V1 का कंपोनेंट VW1 किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो, ये हो गया पॉजिटिव, राइट. चलो
अब यहां पे बताओ V2 का जो कंपोनेंट है VW2 वो किस डायरेक्शन में, तो यहां पे अगर देखोगे ये तुम्हारे पास V2 था, ये तुम्हारे पास क्या था, ये तुम्हारे पास V2 है ना यार, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास V2 है, इसको रिजॉल्व करोगे ये हो गया तुम्हारे पास और ये हो गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास है VW2, तो V2 का जो कंपोनेंट है VW2 वो किस डायरेक्शन में, वो आपके पास पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो अगेन दैट इज पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन पहले से था, VW2 आपके पास पॉजिटिव है तो ये सिंपली आ जाएगा VW2, तो क्या आ जाएगा m डॉट मल्टीप्लाइड बाई VW1 माइनस क्या आ जाएगा VW1 माइनस VW2। क्या बात समझ में आया है यहां तक? ठीक है, अब यहां से एक चीज और अंडरस्टैंड करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, अगर ये वाला एंगल आप देख रहे होंगे, है ना, ये वाला एंगल अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला एंगल ये अल्फा वन है, और ये वाला एंगल अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था अल्फा टू, राइट, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल अल्फा वन है और ये एंगल तुम्हारे पास क्या, ये एंगल तुम्हारे पास अल्फा टू है, ये इनलेट पे ये एग्जिट पे, आप मुझे बताओ क्या यहां से मैं लिख सकता हूं क्या VW1 इज इक्वल टू, ये हो गया V1 और ये हो गया तुम्हारे पास cos अल्फा 1, क्या लिख सकता हूं VW1 इज इक्वल टू V1 cos अल्फा 1 लिख सकता हूं, और यहां से अगर मैं VW2 की अगर मैं बात करूं तो VW2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, VW2 इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया V2 और ये हो गया cos अल्फा 2, ये हो गया cos अल्फा 2, राइट, तो यहां से देख लो भाई, यहां से अगर आप देखोगे क्या देखोगे, देख लो यहां से VW1 ये हो गया तुम्हारे पास VW1 इज इक्वल टू ये आ गया तुम्हारे पास V1, ये हो गया cos अल्फा 1 और ये हो गया VW2 इज इक्वल टू ये हो गया तुम्हारे पास V2 और ये हो गया cos अल्फा 2, ये हो गया cos अल्फा 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर एक चीज और यहां पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, यहां पर देखो, यहां पे अगर देखोगे cos बीटा वन, देखो भाई यहां पे ये आपको ज्योमेट्री, पूरा ज्योमेट्री का गेम है, अभी ज्योमेट्री देखना है आपको, ये डायग्राम आपने बनाया होगा, है ना, इसको देखते रहो, ये ज्योमेट्री का गेम है पूरा। आप यहां से cos बीटा वन लिख सकते हो बेटा, cos बीटा वन, बताइए cos बीटा वन क्या हो जाएगा, cos बीटा वन, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक काम करते हैं cos बीटा वन लिखते, cos बीटा वन, cos बीटा वन क्या हो जाएगा, cos बीटा वन, cos बीटा वन, ये बीटा वन है ना, cos बीटा वन, तो cos बीटा वन इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा VW1 माइनस U1 डिवाइडेड बाय VR1 होगा ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास VW1 माइनस U1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास VR1, ये तुम्हारे पास यही आएगा, है ना। तो यहां से एक काम कर लो, यहां से VW1 निकाल लेते हैं, तो यहां से अगर VW1 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा VW1 इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, VW1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास U1 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास VR1 और ये हो गया तुम्हारे पास cos बीटा 1, होगा कि नहीं होगा, अरे सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल यही होगा, सिंपल सा ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री के साथ मैं खेल रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के साथ खेल रहा हूं, समझ रहे हैं, यही होगा ना आपके पास VW1 is equal to U1 plus VR1 cos beta 1। अच्छा यहां पे अगर मैं बोलूं कि cos beta 2, चलो cos beta 2, तो cos beta 2 क्या हो जाएगा, बताओ भाई cos beta 2 क्या हो जाएगा, cos beta 2, तो cos beta 2 देख लो यहां पे cos beta 2, तो cos beta 2 अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास beta 2 है ना, तो U2 minus VW2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास U2 minus, ये हो गया VW2 डिवाइडेड बाई यू टू माइनस यू डब्ल्यू टू वी डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अरे बोलो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी आर टू, ये आ गया वी आर टू, राइट। यहां से वी डब्ल्यू टू निकाल लो तो वी डब्ल्यू टू क्या आ जाएगा, वी डब्ल्यू टू अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास वी डब्ल्यू टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास यू टू माइनस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास वी आर टू और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस बीटा टू, ये हो गया कॉस बीटा टू, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे आप, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं ये, क्यों मैं ये सब ज्योमेट्री के साथ खेल रहा हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि VW1 माइनस VW2 अभी आप देख सकते हो VW1 माइनस VW2 क्या हो जाएगा, VW1 माइनस VW2 ये हो गया U1 प्लस ये हो गया VR1 ये हो गया cos बीटा 1, राइट, माइनस ये हो गया U2 प्लस ये हो जाएगा VR2 cos बीटा 2, VR2 और ये हो गया cos beta 2, राइट। और मुझे पता है U1 is equal to U2 is equal to U, तो ये चला गया, राइट। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आ गया, VW1 माइनस ये हो गया VW2 is equal to ये आ जाएगा VR1, ये हो गया cos beta 1 प्लस ये आ जाएगा VR2
ये हो गया cos बीटा 2. इज इट ओके? यही आएगा वी आर वन कॉस बीटा वन प्लस वी आर टू कॉस बीटा टू, राइट? और हमको पता है वी आर टू इज इक्वल टू क्या, दैट इज अ के टाइम्स ऑफ द वी आर वन, है ना? अगर मैं देखो, अब यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, क्या क्या चीजें हम लोग लेने वाले हैं. देखो, अगर इधर समझना, इफ इफ ब्लेड इज सिमेट्रिक, इफ ब्लेड इज सिमेट्रिक, तो यहां पे मैंने कंडीशन इंपोज कर दिया, है ना? यहां पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कंडीशन इंपोज कर दिया. क्या कंडीशन इंपोज किया है? यहां पे मैंने कंडीशन इंपोज किया. क्या कंडीशन इंपोज कर दिया? कि ब्लेड, लेट अस अज्यूम ब्लेड सिमेट्रिक है. लेट अस अज्यूम ब्लेड जो है आपके पास, क्या ब्लेड सिमेट्रिक है? क्या होगा अगर ब्लेड सिमेट्रिक है तो? क्या होगा अगर ब्लेड सिमेट्रिक है तो? बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू. अगर ब्लेड सिमेट्रिक है तो बीटा वन किसके बराबर आ गया? बीटा टू के बराबर आ गया. और वी आर टू ऑलरेडी पता है, वी आर टू क्या है? वी आर टू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ द वी आर वन. चलो अब इसको आप रख दो, कहां पे रखोगे? यहां पे रख दो वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू, यहां पे रख दो. तो वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू दिस इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास वी आर वन कॉस बीटा वन बीटा, बीटा वन बीटा टू सेम है, बाहर आ जाएगा. तो यहां से अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वी आर वन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉस बीटा वन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास वन प्लस के. बोलो यही आया होगा? बोलिए भाई, क्या यही आया है? क्या वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू वी आर वन, और ये हो गया कॉस बीटा वन, यही आया है क्या? अरे सर बिल्कुल यही आया है, ये हो गया. चलो ये आ गया. इसका मतलब यहां से अगर मुझे निकालना होगा क्या, अगर मुझे निकालना होगा एफ टी, अगर मुझे निकालना होगा क्या, अगर मुझे निकालना होगा एफ टी, तो एफ टी कैसे क्या लिखूंगा यहां से? देखो टेंजेंशियल फोर्स, अगर मुझे टेंजेंशियल फोर्स निकालना होगा तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास एम डॉट, यही आपने लिखा था ना वी डब्ल्यू वन माइनस, ये हो गया वी डब्ल्यू टू, है ना? और वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू आपके पास क्या हो गया? आपके पास आ गया है. ठीक है भाई, आया समझ में इतना? चलो अगर इतनी बात अब समझ में आ गई है तो अब यहां से देखो इसको थोड़ा सा ना, और मैं चाह रहा हूं कि और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो. कैसे मॉडिफिकेशन करो? देखो यहां पे कैसे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको समझना, है ना? वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू इज इक्वल टू क्या आपने लिखा है? आपने लिखा है वी आर वन कॉस बीटा वन, ये हो जाएगा वी आर वन, ये हो गया कॉस बीटा वन, और ये हो गया क्या लिखा था? वन प्लस के, ये लिखा था. अच्छा यहां से वी आर वन कॉस बीटा वन, देखो यहां पे, यहां से अगर देखोगे वी आर वन कॉस बीटा वन, ठीक है, तो यहां से इसको मैं ना इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूं. सो फ्रॉम ए, है ना, आपको कोई दिक्कत ना हो भैया, तो इसके लिए मैंने ले बोल दिया फ्रॉम ए. ए से अगर आप देखोगे फ्रॉम ए, तो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन ए, कहां गया कहां गया? हाँ, वी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, ये हो गया यू वन प्लस ये हो गया वी आर वन, और ये हो गया कॉस बीटा वन, यही है ना? वी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू यू वन प्लस वी आर वन कॉस बीटा वन, है ना? नाउ यहां से वी आर वन और ये हो गया कॉस बीटा वन निकाल लो. निकाल गया सर, निकल गया, ये हो गया वी डब्ल्यू वन माइनस ये हो गया तुम्हारे पास यू वन. और अब यहां से बताओ वी डब्ल्यू वन को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या बताओ, वी डब्ल्यू वन ये लिखा था क्या मैंने? ये हो जाएगा वी वन और ये हो गया कॉस अल्फा वन. ये मैंने लिखा था क्या? ये मैंने लिखा था क्या कहीं पे? बिल्कुल लिखा था सर. तो वी आर वन ये हो गया कॉस बीटा वन इज इक्वल टू वी डब्ल्यू वन, ये हो गया वी वन, ये हो गया कॉस अल्फा वन माइनस यू वन. अरे मजा आ रहा है क्या इतना? अरे समझो ना ये सब करने का पर्पस क्या, इसका जो एंड रिजल्ट मिलेगा ना, इतना प्यारा रिजल्ट मिलेगा, आपको लगेगा ना आपकी मेहनत सक्सेस हो गई है. ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारे पास क्या हो गया? वी वन, ये हो गया तुम्हारे पास कॉस अल्फा वन माइनस ये हो गया तुम्हारे पास क्या? ये हो गया तुम्हारे पास, यही आएगा ना, वी आर वन कॉस बीटा वन, ये रख दिया बस मैंने, है ना? तो ये हो गया वी वन कॉस अल्फा वन और ये हो गया माइनस यू, है ना? अरे ये देखो ना भैया, ये वी डब्ल्यू वन की जगह वी वन कॉस अल्फा वन पुट कर दो, और ये जो वी आर वन कॉस बीटा वन है ना, उसकी डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दो. तो वी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? ये तुम्हारे पास आ जाएगा वन प्लस के, ये हो गया. देखो ये आ गया, है ना, ये आपके पास आ गया. तो अब यहां से ठीक है, इस फॉर्म में आ गया, इस मेरे को इसी फॉर्म में चाहिए था, है ना? अब इस फॉर्म में मैंने क्यों लाया है ना, इसके पीछे का रीजन आपको थोड़े देर बाद, जस्ट ना 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सर इतना पूरा पंचायती आप काहे किए हो, है ना? आप पूरा ये समझ जाओगे कि सर ये जो इतना पंचायती आप किए हो ना, तो ये इतना पंचायती काहे किए हो, ये सब समझ में आ जाएगा. रुक जाओ, अरे कहां गया भाई, एक मिनट ना.
देखो इधर एक मिनट। चल इधर देखो, अब यहां से अगर देखोगे मैंने निकाल लिया क्या, मैंने निकाल लिया एफ टी, है ना। मैंने क्या निकाल लिया, मैंने निकाल लिया टेंजेंशियल फोर्स। बाबू ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स, क्या हो जाएगा सर टेंजेंशियल फोर्स, ये हो गया तुम्हारे पास एफ टी, एंड दिस एफ टी इज इक्वल टू ये हो गया एम डॉट, है ना, वी डब्ल्यू वन माइनस ये हो गया वी डब्ल्यू टू, ये था ठीक है। पावर की अगर मैं बात करूं तो डायग्राम पावर डायरेक्टली लिखता हूं, डायग्राम पावर क्या था, डायग्राम पावर यार व्हाट इज द डायग्राम पावर, एफ टी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, ये हो गया यू, ये हो गया है ना। तो एफ टी ये हो गया एम डॉट मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया वी डब्ल्यू वन माइनस ये हो गया वी डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड बाई यू, और वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू आपने निकाला है, क्या निकाला है देखो यहाँ पे वी डब्ल्यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू ये निकाला है, वी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू ये हो गया वी वन कॉस अल्फा वन माइनस यू ये हो गया, और क्या है वन प्लस के, वन प्लस के है सर, वन प्लस के मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया यू ठीक है। एंड दिस इज डायग्राम पावर, ये आ गया आपके पास डायग्राम पावर, ये आ गया आपके पास डायग्राम पावर। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप डायग्राम पावर जो है ये निकाल सकते हो, ये डायग्राम पावर निकाल सकते हो। बट इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन याद कर सकते हो तो अच्छी बात है ठीक है, याद नहीं कर सकते तो आप बेसिक से भी जा सकते हो, मैं तो बेसिक से जाके ही बनाता हूँ क्वेश्चन, मैं जब भी मुझे क्वेश्चन बनाना होता ना तो मैं बेसिक से जाके ही बनाता हूँ ठीक है, ज्यादा चीजें याद करने की कोशिश नहीं करता मैं। चलो ये हो गया डायग्राम पावर। अब देखो अब यहां से आपको जो निकालना है ना, निकालना क्या निकालना है, ब्लीडिंग एफिशिएंसी, ये काम का चीज है, ये आपको नंबर ऑफ टाइम पूछता है, ब्लीडिंग एफिशिएंसी, या इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायग्राम एफिशिएंसी, है ना, इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डायग्राम एफिशिएंसी, इट इज डिनोटेड बाई ईटा डी, इट इज डिनोटेड बाई ईटा डी राइट। ब्लीडिंग एफिशिएंसी या फिर डायग्राम एफिशिएंसी, ब्लीडिंग एफिशिएंसी या फिर डायग्राम एफिशिएंसी, मैं पूरा गेम जो है वो इसके लिए कर रहा था, इसके लिए सेट कर रहा था, ब्लीडिंग एफिशिएंसी या फिर डायग्राम एफिशिएंसी। नाउ अगर मैं ब्लीडिंग एफिशिएंसी या डायग्राम एफिशिएंसी की बात करता हूं तो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट, अगर एफिशिएंसी है आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है यार, अगर आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है डायग्राम पावर, अगर मैं आउटपुट की बात करता हूं तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है डायग्राम पावर। इनपुट क्या होगा, अगर मैं इनपुट की बात करता हूं तो इनपुट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, कहां पे, इनलेट पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम डॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास वी वन का स्क्वायर, ये हो गया। नाउ यहां से अगर डायग्राम एफिशिएंसी अगर देखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको आपने लिखा था एम डॉट मल्टीप्लाइड बाई, है ना, ये हो गया तुम्हारे पास वी डब्ल्यू वन माइनस ये हो गया वी डब्ल्यू टू, मैं वापस से रख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया तुम्हारे पास यू डिवाइडेड बाई ये हो गया हाफ, फैन भी नहीं चल रहा है, हाफ ये हो गया m डॉट, और ये हो गया तुम्हारे पास v1 का स्क्वायर, m डॉट चला गया, ये आ जाएगा 2। अब एक काम करो v w1 माइनस v w2 को पुट कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास v1, ये हो गया cos अल्फा 1 माइनस u, और ये हो गया तुम्हारे पास 1 प्लस k, और ये हो गया तुम्हारे पास u डिवाइडेड बाई राइट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारे पास v1 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास डायग्राम एफिशिएंसी, ये आ गया। अब यहां पे डायग्राम एफिशिएंसी को थोड़ा सा अरेंज कर लेना ना, अरेंज कर लो, अरेंज करोगे डायग्राम एफिशिएंसी को तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं कैसे, देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, है ना, एक v को मैं अंदर ले गया, तो एक v को अगर मैं अंदर ले गया तो क्या बचेगा, देखो यहां पे ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया 2, है ना, ये 2 था, V को अंदर ले गया तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बचेगा, ये हो गया cos अल्फा, ये ब्रैकेट है, ये हो जाएगा cos अल्फा 1 माइनस राइट cos अल्फा 1 माइनस ये हो जाएगा u बाई वी वन, ये आपके पास हो जाएगा u बाई ये हो गया वी वन, है ना, ये आपके पास हो गया u बाई वी वन, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस के, है ना, मल्टीप्लाइड बाई अब यहां पे u बाई वी वन, समझ में आया क्या किया मैंने, आया क्या समझ में, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे कुछ नहीं किया, देखो यहां पे सिंपल था, थोड़ा सा गेम खेला, ये v1 v1 को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक v1 को इधर अंदर ले गया ब्रैकेट के अंदर और एक v1 को मैंने यहां पे रखा बस। तो अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो डायग्राम एफिशिएंसी है ना, ये डायग्राम एफिशिएंसी फंक्शन है, किसका किसका फंक्शन है, अगर आप देखोगे तो डायग्राम एफिशिएंसी आपको किसका किसका फंक्शन दिख रहा है, ये हो गया अल्फा 1 नोजल एंगल एट द इनलेट, नोजल एंगल एट द इनलेट,
यू बाई वी वन जिसको मैं बोलता हूं स्पीड रेशियो, ये जो u बाई वी वन है इसको मैं बोलता हूं वेलोसिटी रेशियो या इसको मैं बोलता हूं स्पीड रेशियो, किसका फंक्शन दिख रहा है u बाई वी वन का और किसका फंक्शन दिख रहा है दैट इज k, समझना ध्यान से। ये जो डायग्राम एफिशिएंसी है दिस इज द इक्वेशन नंबर आप बोल दो ये हो गया कैपिटल b, तो ये जो इक्वेशन नंबर कैपिटल b है यहां से ये चीज क्लियर हो रहा है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर कैपिटल b इट इज क्लियर द डायग्राम एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन दिख रहा है अल्फा वन u by v1 and the k and what is the u by v1, ये जो u by v1 है इस u by v1 को मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं स्पीड रेशियो या फिर मैं बोलता हूं इसको वेलोसिटी रेशियो, स्पीड रेशियो या फिर वेलोसिटी रेशियो एंड दिस इज द u by v1 एंड इसको मैं डिनोट करता हूं किससे ks से, इसको मैं डिनोट करता हूं इससे डिनोट करता हूं ks से राइट। अब यहां पे समझना, अगर मैं बोलता हूं फॉर अ गिवन ब्लेड अगर मैं गिवन ब्लेड की बात करता हूं फॉर अ गिवन ब्लेड क्या क्या कांस्टेंट होगा, फॉर अ गिवन ब्लेड नोजल एंगल इज कांस्टेंट एंड के जो कि फ्रिक्शन फैक्टर है दैट इज आल्सो कांस्टेंट राइट। इसका मतलब यह है कि फॉर अ गिवन ब्लेड अगर मैं बात करता हूं तो जो डायग्राम एफिशिएंसी है दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी रेशियो या फिर स्पीड रेशियो राइट। फॉर अ गिवन ब्लेड डायग्राम एफिशिएंसी जो है दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पीड रेशियो या फिर वेलोसिटी रेशियो, अल्फा वन नोजल एंगल कॉन्स्टेंट रहेगा, के फ्रिक्शन फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेगा, ओनली वेरिएबल इज यू बाई वी वन राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर अ गिवन ब्लेड मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग मुझे कंडीशन चाहिए और मुझे मैक्सिमम डायग्राम चाहिए, मुझे मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी चाहिए राइट। मैं बता रहा हूं मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कंडीशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग कंडीशन चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे u by v1 चाहिए, यही तो एक वेरिएबल है, यही तो आपके पास एक वेरिएबल है, तो मुझे u by v1 चाहिए किसके करस्पॉन्डिंग, मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग ये चाहिए। और सेकेंड मुझे क्या चाहिए, सेकेंड मुझे चाहिए मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी ये दो चीजें चाहिए है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो आपके पास मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग कंडीशन चाहिए, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए। तो क्या आप ये बता पाओगे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये आपने लिखा हुआ है डायग्राम एफिशिएंसी है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, के एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, इक्वल टू जीरो कर देना। यहां से तुमको यू बाई वी वन मिलेगा, ये तुमको यू बाई वी वन मिलेगा और मैं बता भी देता हूं क्या मिलेगा, चेक करना एक बार, ये आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको कॉस अल्फा वन बाई टू राइट। और ये जो आपके पास u by v1 है इसको अगर आप रखोगे मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में तो आपको मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी मिलेगा और ये तुमको कितना मिलेगा, ये तुमको मिलेगा 1 प्लस के, क्या मिलने वाला है ये भी बता देता हूं, ये आपको मिलेगा 1 प्लस के बाई टू और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस के बाई टू और ये हो गया तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये आपको ये मिलने वाला है ठीक है। करके एक बार देखना नहीं होगा ठीक है आई विल बी देयर ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है ये आपके पास राइट। और यार रिमेनिंग टॉपिक है ना, द रिमेनिंग टॉपिक आई विल नॉट कवर इन द यूट्यूब, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं राइट ऑफ जो कंपाउंडिंग जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, मैंने सोचा था कि मैंने यूट्यूब में मैंने पढ़ाऊंगा कंपाउंडिंग अच्छे से है ना, मुझे नहीं लगता उस चीज का कोई मतलब है यहाँ पे पढ़ाने से ठीक है। बेटर इज दैट आई विल कवर दोज पार्ट इन द स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन में आइए, मोस्ट वेलकम है ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे YouTube पे तो नहीं पढ़ाऊंगा उसको है ना, YouTube पे मैं कंपाउंडिंग नहीं पढ़ाऊंगा, फिर आप बाद में पूछते रहना कि सर कंपाउंडिंग कहाँ पे है। इतना एनालिसिस याद नहीं रखना है तुमको, सिर्फ मतलब किससे है, सिर्फ मतलब तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आता है, इससे आता है ठीक है। ये दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही अभी तक क्वेश्चन आया है राइट। तो इतना मेरा पूरा बताने का मतलब क्या है, इतना बताने का मतलब ये कि आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ राइट, ये पूरा का पूरा आप ये अंडरस्टैंड कर पाओ, वेलोसिटी डायग्राम अंडरस्टैंड कर पाओ, ये एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर पाओ है ना।
अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था, ब्लेड कर्वर शेप का क्यों होता है, स्ट्रेट क्यों नहीं होता है? देखो स्ट्रेट अगर होगा ना, स्ट्रेट अगर होगा, देखो स्ट्रेट होगा तो जो पावर होता है, जो आपके पास फोर्स आएगा ना, जो टेंजेंशियल फोर्स जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर आपके पास वो स्ट्रेट होगा, मतलब आपके पास एक प्लेनर सरफेस होगा, तो वो आपको कम मिलेगा, है ना, वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको कम मिलेगा, तो इसीलिए स्ट्रेट नहीं रखते, है ना, ये चीज आप समझ पाओगे, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये एनालिसिस मैंने पहले ही बोला है ना, ठीक है, जो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है ना सौरभ, तो हाइड्रोलिक मशीन जब आप पढ़ोगे ना, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास, ठीक है, जो टर्बाइन का जो ब्लेड है, ये जो टर्बाइन का ब्लेड होता है, उसको कर्व्ड क्यों बनाते हैं, उसको प्लेन क्यों नहीं रखते, एक प्लेनर सर्फेस क्यों नहीं होता, वो कर्व्ड सर्फेस क्यों होता है। तो वहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आता है कि जब प्लेनर, अगर आपके टर्बाइन के जो ब्लेड है उसको अगर आप प्लेनर बना दोगे, तो जो फोर्स जनरेट होगा, जो फोर्स जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द मोमेंटम चेंज, वो लेस होता है एज कंपेयर टू द कर्व्ड सर्फेस, ठीक है, इसीलिए कर्व्ड बनाते हैं, ठीक है। और कोई, ओके सो चलो अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं, राइट, आगे मैं ये कवर नहीं करने वाला हूं, स्टीम टर्बाइन इन द यूट्यूब, राइट, स्टीम टर्बाइन वाला जो पार्ट है ये मैं आगे कहां पे कवर करने वाला हूं, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं ये कवर करने वाला हूं स्पेशल सेशन में, स्पेशल सेशन में कवर करने वाला हूं, ठीक है। ये आगे वाला पार्ट जो होगा, इसका कंपाउंडिंग वाला जो पार्ट होगा, ये मैं कवर करने वाला हूँ स्पेशल सेशन में, है ना, स्पेशल सेशन में। तो स्पेशल सेशन में आओ, वहाँ पे पढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है वहाँ पे जो स्टूडेंट सिंसियर है वो स्टूडेंट आएगा, और जो स्टूडेंट सिंसियर नहीं है वो ऐसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, राइट। तो चलो ठीक है, स्पेशल सेशन, तो आज मैंने स्पेशल सेशन का जो टाइमिंग रखा है वो रखा हुआ है 4 PM को, आज मैंने जो स्पेशल सेशन का टाइमिंग रखा हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर डाल लीजिए, स्पेशल सेशन का जो टाइमिंग रखा है वो मैंने 4 PM रखा हुआ है, जिसमें मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कंपाउंडिंग, ठीक है, कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं, कंपाउंडिंग करने का रीजन क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 PM वाले सेशन में, है ना। तो 10 PM वाला जो सेशन है वो तो सेपरेट है, वो तो खैर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होता है, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ठीक है, ये एक टॉपिक कवर करना है तो उसके लिए 4 PM को देयर इज अ स्पेशल सेशन, तो वो स्पेशल सेशन में आप आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। राइट, और शेयर मैं कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल, राइट। सो 4 PM वाला जो सेशन होगा उसमें डेफिनेटली आई विल कवर द कंपाउंडिंग वाला पार्ट, कंपाउंडिंग ऑफ द स्टीम टर्बाइन, वो मैं कवर कर दूंगा, बताऊंगा सारा चीज आपको, है ना। तो मिलते हैं 4 PM को, 4 PM वाला जो सेशन है उसमें हम लोग मिलने वाले हैं, 4 PM वाला जो सेशन है उसमें हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, चल, दैट ऑल्सो आई कवर इन द सेम श्रीनिवास, दैट ऑल्सो कवर इन द स्पेशल सेशन, दैट पार्ट आई ऑल्सो कवर इन द स्पेशल सेशन, वो पार्ट भी मैं स्पेशल सेशन में ही कवर करूंगा, दैट पार्ट ऑल्सो आई कवर इन द स्पेशल सेशन, स्पेशल क्लास में ही कवर करूंगा, है ना। कुछ आपके पास जो आगे के पार्ट है स्टीम टर्बाइन में, सॉरी जो स्टीम पावर प्लांट में जो आगे का पार्ट है, ठीक है, जैसे कल का जो सेशन रहेगा, कल के सेशन में डेफिनेटली एफिशिएंसी वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है ना। स्टीम टर्बाइन में कौन कौन सी एफिशिएंसीज इन्वॉल्व होती है, दैट आई विल कवर इन द यूट्यूब सेशन, है ना। बाकी जो स्टीम टर्बाइन वाला जो पार्ट है, दैट आई विल कवर इन द स्पेशल क्लास, स्पेशल सेशन में कवर करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, एक बार पढ़ के देखिएगा, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है, आप बता दीजिएगा। सो बिफोर एंडिंग द सेशन, सेशन को एंड करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर लेता हूँ, राइट। सो आप चाहते हो कि आपकी जो स्टडी है वो आपके पास एक स्मूथ वे में चले, स्टडी जो है आपके पास स्मूथ वे में चले, राइट, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग क्लासेस हो, ठीक है, प्रॉपर नोट्स आपको मिले, नोट्स प्रैक्टिस सेट्स सारा चीज आपको मिले, राइट, और आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है ना, जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी पे प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो बाय यूजिंग द रेफरल कोड CHA10। ये जो रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हो CHA10। सो अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो CHA10, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो अनअकैडमी पे, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द लाइव क्लासेस आपको मिलता है, क्रैश कोर्स आपको मिलता है, वीकली बेसिस पे आपके पास टेस्ट,
प्रॉपर डाउट सॉल्विंग क्लासेस एंड क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लासेस कर सकते हो, राइट। एंड अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो तो प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलता ही है, प्लस का बेनिफिट, राइट। साथ में आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलता है, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, टाइम टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशंस, प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस एंड प्रॉपर नोट्स एंड द मटेरियल, ये भी आपको मिलता है, राइट। सो आइकॉनिक में प्लस का जो बेनिफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में देर देर एक्स्ट्रा बेनिफिट, राइट। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड, तो आप या तो पहले कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे से, पहले मेरे से बात कर सकते हो, या फिर जब आप सब्सक्रिप्शन ले चुके होंगे तो एक मैसेज डाल दीजिएगा, एक मैसेज आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, सो दैट एटलीस्ट मैं आप समझ जाऊं कि हाँ ये स्टूडेंट जो है ये ठीक है मेरे गाइडेंस के अंडर में है, तो आप ये कर सकते, राइट। ओके, सो प्राइस हाइक के पहले, ठीक है, प्राइस हाइक के पहले आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो, तो आने वाले दिनों में प्राइस हाइक जो होगा दैट इज अप टू 7.25%, राइट, उसके पहले आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। सो अगर आप न्यू प्राइसेस देखोगे तो न्यू प्राइसेस आपको दिखेगा यहाँ पे 7.25% आपके पास हाइक के साथ, राइट, ये आपके पास न्यू प्राइसेस है। करेंट प्राइस अगर आप देखोगे तो ये आपके पास करेंट प्राइस है, ये आपके पास करेंट प्राइस है एंड दीज आर दी न्यू प्राइसेस, राइट। सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन प्लान करना है, कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, 12, 18, 24 मंथ, राइट, मेरे गाइडेंस के अंडर में प्लान कर रहा है तो बिल्कुल यू कैन प्लान द सब्सक्रिप्शन बिफोर द प्राइस हाइक, प्राइस हाइक के पहले आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर दो, बस मैसेज कर देना मैक्सिमम आपको डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, ठीक है, बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। सो चलिए नाउ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं वन ईयर के लिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, वन ईयर के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होता है, ये अमाउंट आपको पे करना होता है। अगर आप 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो तो ये अमाउंट आपको पे करना होता है, राइट। और ये आप रेफरल कोड यूज करोगे, इंस्टेंट आपको 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो आपको प्लान, ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट। अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो 12 मंथ के लिए तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, एंड अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो तो दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट। सो दीज अमाउंट्स आर आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड CHA10, इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा 10% का, ठीक है। सो आप EMI पे जो है वो भी प्रीफर कर सकते हो, EMI का ऑप्शन, अगर वन टाइम पेमेंट में कोई भी इशू है तो EMI का जो ऑप्शन है ये आप प्रीफर कर सकते हो। एंड दिस इज अ बैच जो आपके पास 7 जुलाई से आपके पास स्टार्ट हो रहा है, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए है ना आप सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लान कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड CHA10, इसको आप प्लान कर सकते हैं। एंड दिस इज अ EAC टेस्ट सीरीज, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, पार्टिसिपेट करिए इस पे। 10 जुलाई को आपके पास एक मॉक टेस्ट होगा, 15 जुलाई को मॉक टेस्ट होगा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए, दीजिए इस टेस्ट को, राइट। एंड ये आपके पास है कॉम्बैट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो आज आपके पास कॉम्बैट है, टाइमिंग रहेगा 11 AM का, तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10, ये जो रेफरल कोड है इस रेफरल कोड को आप यूज कर सकते हो CHA10, राइट। एंड वन थिंग, ठीक है, आपके पास अगर आप कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके पास चांसेस है 100% तक आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हो प्लस सब्सक्रिप्शन में, राइट। तो पार्टिसिपेट करिए यार, लेट नहीं करना, पार्टिसिपेट करना ही है ना। एंड दिस इज अ ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है, तो ये भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। सो इफ यू लाइक द सेशन, लाइक करिए सेशन को, शेयर करिए सेशन को, और जो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।